लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। झूठ बोलती हो, इसकी साइकिल का टायर तो इसके बैठने से फट गया था। ये झूठ बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसी वक्त मुंह पे जमा के एक थप्पड़ देना था। अरे मैम साहब, हमारे हाथ भी खामोश नहीं रहते। तुम जानते हो किससे बातें कर रहे हो? हाँ जरूर, कमला ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक बेकाबू बस से। मैं बस हूँ। यस यू आर ए बस। मैं बेकाबू हूँ। हाँ? तो मुझे काबू में करोगे? हाँ? तुम इसे मौका दोगी? क्यों मैम साहब, खामोश क्यों हैं? फरमाइए ना। बताऊंगी एक दिन। हटाओ। मैं भी देखूंगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, आप इधर आ, इधर आ। शेखर, किरण से ज्यादा मत उलझ। अरे बड़ी जालिम पुट्टी है, बंदूक की गोली है गोली, और सुना है कि इसकी अम्मा तोप का गोला है। पैर छोटे हो गए हैं क्या? रखिए थाली में। दूसरा पैर भी रखो। लक्ष्मी पानी लाओ। पानी बहुत ठंडा है गमला, मगर ये आज उल्टी गंगा क्यों? पूजा तो मुझे पत्नी मैं हूँ या आप? ओ, मैं तो ये भूल ही गया मैं क्या हूँ। लेकिन मैं अपने आप को नहीं भूली। आज वट पूर्णिमा है ना, इसीलिए पूजा कर रही हूँ। आज के दिन सावित्री ने बड़ की पूजा की थी। बड़ की पूजा मैं सुबह ही कर चुकी, अब जड़ की पूजा कर रही हूँ। कुवारी सावित्री, इस सत्यावान के पैरों में साल में एक बार फूल और हाथों में 12 महीने घर में बैठे माला। थोड़े दिन और रहने देती आपके हाथों में कारोबार,
तो कमला ट्रांसपोर्ट कंपनी का दिवाला निकल जाता। या शेखर, अपनी जेब तो एक कंजूस के दिल की तरह खाली है, तेरा रुपया नहीं आया अभी तक? नहीं यार, मेरी हथेली खुजा रही, आ रहे होंगे। नमस्ते शेखर। नमस्ते वकील साहब, आइए आइए आइए। वकील साहब, आपकी बड़ी लंबी है उम्र। महेश, रुपए शेखर के आते हैं और इंतजार तुम करते हो। वकील साहब, रुपए तो रुपए, ये कपड़े भी शेखर के हैं। बात दरअसल ये है कि नदी का पानी टाकी में, टाकी का पानी नल में, नल का पानी पेट में, और पेट का पानी। वकील साहब, आप मुझे भगवान के लिए उस देवता का नाम बता दीजिए जो मुझे हर महीने 250 रुपए भेजते हैं। शेखर, तुम हर बार यही सवाल पूछते हो और मैं हर बार यही जवाब देता हूँ कि मैं मजबूर हूँ। उन्होंने नाम बताने के लिए मना कर दिया है। नमस्ते। नमस्ते शेखर। तू आम खाना यार, गुटलियां गिनने से क्या फायदा होगा? कोई गुप्त दान? ये गुप्त दान या कोई भी गुप्त काम मुझे पसंद नहीं। ये 250 रुपया महीना वकील के मार्फत किसे भेजे जाते हैं? कौन है ये शेखर? कभी नमस्ते तक करने नहीं आया मगरूर। मैं जो हर रोज तुम्हें नमस्ते कर लेता हूँ, नमस्ते। ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? तुम सारा दिन हिसाब जोड़ती रहती हो, मैं क्या हाथ भी नहीं जोड़ सकता? सरोजा। यस मैडम। तुम दफ्तर जाओ। जी। ठहरिए। जी। मेरी सेक्रेटरी के सामने आपने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, क्या सोचेगी वो? क्यों मन में आया बोलने लगते हैं आप? अजी, मैं तो खामोश बैठा गीता पढ़ रहा था, रेडियो तो तुम्हारा ऑन हुआ है। मैंने तो रेडियो बंद कर दिया है पिताजी। बेटा, इस रेडियो को तो रेडियो स्टेशन वाले भी बंद नहीं कर सकते। मगर मैं आपका धर्म खाता जरूर बंद कर दूंगी पिताजी। मैं तो कॉलेज चली। अच्छा, मैं भी दफ्तर जा रही हूँ। अच्छा, आप भी जाइए। बेटी कॉलेज और पत्नी दफ्तर, और तू बेटा कमलापति घर में अकेले भजन कर। वाह 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 वाह। नमस्ते चाची जी, आजकल किस खेत का चारा खा रही हो? बड़ी मोटी ताजी हो रही हो। बुद्धू पागल बेकल, मेरा मजाक उड़ाता है। क्या हुआ ललिता? अरे क्या हो गया? मुझे भेस कहता है, चाची बनाता है। मैंने उसको नहीं कहा, मैंने तो उस भैंस को कहा। नजर भैंस की तरफ, इशारा मेरी तरफ। क्या ये सच है महेश? नहीं शेखर, मैं इस मोटे के बाप की कसम खा के बोलता हूँ, मैंने उस भैंस को नहीं, इस भैंस को नहीं, उस भैंस को कहा था। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो तू पूछ ले। क्यों चाची? चाची बोलो। क्यों? भैंस तुम्हारी चाची लगती है? देवी, मैं गाय को माता और भैंस को चाची समझता हूँ। मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इन्होंने मुझे बहुत कुछ कह दिया है। क्या ये सच बोल रहा है? मैंने भी तुझे नहीं कहा, उस गधे को कहा था। ओह, मुझे क्या मालूम था कि आपने अपने भाई को कहा। मुझे माफ करना है, वेरी सॉरी। इडियट, तुम लोगों ने शराफत का सबक नहीं सीखा। चलो ललिता, इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। चलो चलो चलो। किरण जी, वो किताब कहाँ मिलती है जिसमें शराफत का सबक है, बताइए ना। किरण जी, किताब की क्या जरूरत है, आप खुद ही सिखा दीजिए ना सबक। सिखाइए ना। सबको एक साथ नहीं, बारी बारी से। पहले मुझे। हाँ हाँ, पहले तो आप ही को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि इन गैर जिम्मेदार लड़कों के लीडर तो आप ही हैं ना। जी हाँ। सबक आप मुझे यहीं सिखाएंगी या कहीं बाहर चलकर? बाहर चल के आइए। चलिए, ये रख ले। ले पकड़। मैं बंद करता हूं। मैं वाह 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 वाह, क्या किस्मत पाई है इसने। अरे लेकिन शेखर संभालना, गोली है गोली। आप खामोश क्यों बैठे हैं? मैं सोच रहा हूँ, मैंने आपसे खामखा झगड़ा किया। मैं भी यही सोच रही थी। दरअसल इंसान की पहचान पास से होती है। आपने पहचान लिया मुझे? जी हाँ, आप ऊपर से जितनी कठोर लगती हैं, उतने ही दिल की कोमल हैं। मेरा भी आपके बारे में यही ख्याल है। सच? मैं आगे आ जाऊँ? क्यों नहीं। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किरण, तुम मुझे नाराज तो नहीं हो? छी 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 छी, नाराज और आपसे? मेरी तरह तुम्हें भी बहुत गुस्सा आता है। प्यार भी उतना ही आता है। प्यार? अरे आप कांप क्यों रहे हैं? नहीं तो।
तो मेरा मतलब है ये मेरा पहला तजुर्बा है। पहला तजुर्बा? हाँ। पहले कभी कार में नहीं बैठे? नहीं, हाँ बैठा तो, लेकिन लेकिन क्या? किसी के साथ नहीं बैठा। ओ, ओ। मैं भी कभी किसी के साथ नहीं बैठी। क्या हुआ? इंजन गरम हो गया। फिर? ठंडा पानी डालना चाहिए। देखिए डिग्गी में बाल्टी है, जरा वहां से पानी ले आइए ना प्लीज। यूं गया और यूं आया। इंजन ठंडा हो गया? तुम्हें शराफत का सबक मिल गया। किरण, ये धोखा है। तुम्हारे सवाल का जवाब है। खरामा खरामा चले आओ बाबू, कल सुबह तक तो पहुँच ही जाओगे। शहर यहाँ से 20 मील दूर है, न ट्रेन न बस न टांगा। इस सड़क पर कोई सवारी नहीं मिलती। टाटा। किरण, क्यों मैम साहब, इंजन ठीक हो गया? शेखर? हाँ शेखर, शेखर मेरी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई तो क्या हुआ, पैर तो ठीक है ना? चलिए आओ खरामा खरामा, कल सुबह तक जरूर पहुंच जाओगे। शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 15 मिनट। ना बस ना ट्रेन ना टांगा, कोई सवारी नहीं मिलती इस सड़क। शेखर ये लो टाटा। चल चल रे नौजवान, चल चल। शेखर, क्या हुआ? शेखर, मुझ पर रहम खाओ, मैं अकेली हूँ। साथ तो तुमने छोड़ा। लेकिन लेकिन मैं भी इतना संगदिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊँ। शेखर, शेखर कितने अच्छे हो। मैं अच्छा? ये तुम अपने दिल से कह रही हो ना? फिर वादा करो तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। देखो क्या ब्यूटीफुल चांदनी रात है, हम दोनों सैर करते हुए चले। क्या 15 मील पैदल? हाँ पैदल। बाप रे बाप, ये मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम कहो तो मैं तुम उठा कर ले जाऊं। नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, तो फिर हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे। हाँ ठीक है ना? अकेली यहाँ तुम्हारे साथ? नहीं तो मैं चला। सुनो सुनो सुनो, मुझे अकेली छोड़कर चले जाओ। कमाल है, तुम मेरे साथ जाना भी नहीं चाहती, रहना भी नहीं चाहती, तो फिर क्या चाहती? तुम गाड़ी की अगली सीट पर सो जाओ और मैं पिछली सीट पर सो जाऊंगी। वाह 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 वाह, जैसे मैं सीट का कीड़ा हूँ, इतनी छोटी सी जगह में सिकुड़ कर सो जाऊं। वो देखो मेरे लिए फर्स्ट क्लास बिस्तर। छी छी छी, वो तो घास का ढेर है। जी नहीं मैम साहब, वो फूलों की सेज है। चलो गाड़ी में सो जाओ, चलो। La 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 la. Shekhar! 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 Come on.
हाँ? वो देखो। देवी से डरकर देव के पास आ गई। शेखर, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ सो जाऊँ? हाँ? अकेली यहाँ मेरे साथ? शेखर, मजाक छोड़ो, तुम यहाँ सो जाओ, मैं यहाँ सोती हूँ, हटो। अच्छी बात, सो जाओ, सो जाओ। कमाल है, पहले हाथ तुमने रखा और दोष मुझे दे रही हो। क्या? छोड़ दो। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा। खता बख्श दो गर खता हो गई।
सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। किसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। शेखर, मैं समझती थी तुम बहुत गुस्से वाले हो, और मैं समझता था किरण कि तुम बहुत घमंडी हो। और अब? अब मेरा गुस्सा और तुम्हारा घमंड दोनों प्यार में बदल गए। जानते हो शेखर, दिल खोलकर बात करने से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, एक हो जाते हैं। ये एकता जिंदगी भर रहेगी? हाँ, जिंदगी भर। मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी रहूंगी। बड़ी डेंजरस जगह है। नंबर भी वही, गाड़ी भी वही, लेकिन ये बंदर ना ही अंदर है ना ही बाहर। शेखर, शेखर, शेखर! मैं डरता क्यों? मैं हूं। बड़े मौके पर पहुंचा यार, हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमारी? शेखर, ये गाड़ी हमारी हो गई? शेखर, अरे बड़ी जल्दी हो गई रही ये गाड़ी हमारी। क्यों ना हो, आखिर किरण की गाड़ी है, क्या जगह देखकर रुकी है, बड़ी रोमांटिक प्लेस। और मैंने भी ठीक ही सोचा, मैंने सोचा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसलिए स्कूटर लेकर टूर टूर करता चला आया। तुमने बहुत अच्छा किया महेश भैया। अच्छा किया। अब तो घर चलो। चलो, लेकिन हम तीनों कैसे जाएंगे? तीनों कहाँ, हम तो दोनों जा रहे हैं यार। गुड नाइट किरण, थोड़ी देर और ठहरो ना। बहुत रात हो गई है। किरण, कहाँ थी इतनी रात गए तक? ये लड़का कौन है? माँ, ये मेरे कॉलेज के साथी हैं। अरे कौन? शेखर? इसका कॉलेज का साथी, तुम्हारा कहाँ का साथी? कमला, बहुत लंबा है इनका और हमारा साथ। समझ गई, यही वो शेखर है जिसको 250 रुपया महीना भेजे जाते हैं। नमस्ते जी, आप ही हैं वो देवता जो हर महीने मुझे 250 रुपये भेजते हैं? मुझे मालूम नहीं था कि किरण आप ही की बेटी है। देख लिया आपके खैरात का नतीजा, अपनी इज्जत के साथ आप मुझे खेल रहा है। माँ, ये हम इज्जत देना चाहते हैं, मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा? इस भिखारी के साथ? हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाले एहसान फरामोश है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ माता जी, आपने मुझे गलत समझा, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। नमस्ते। शेखर, शेखर कहाँ जा रही है? चलती है कि अपन दाग जो आईंदा उसके साथ घूम देख लिए। कमला, तुम बिना सोचे समझे हमला कर देती हो। शेखर भिखारी नहीं है, ये तो उस देवता का पोता है जिसकी वजह से तुम्हारी कमला ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हुई। अगर हम अपनी खाल का जूता बनवा कर भी उसे पहनाए, फिर भी उनके एहसान का बदला नहीं उतार सकते। शेखर राय साहब हरबंस लाल का पोता है? हाँ, उस सूरज का जो दूसरों को उजाला देकर हमेशा के लिए छुप गया, ये उसी सूरज का पोता है जो खुद अंधेरे में भटक रहा है। पिताजी, अगर मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। हरगिज नहीं, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है। तुम कौन हो पसंद करने वाली?
भगवान की इच्छा से तुमने आज तक किसी लड़के को किरण के लिए पसंद नहीं किया, किरण ने शेखर को पसंद कर लिया। अब मेरी और भगवान दोनों की यही इच्छा है कि राय साहब के रुपए से बढ़ती हुई हमारी संपत्ति उन्हीं के पोते को मिले। हाँ हाँ, बाप बेटी की मिली भगत तो समझ गई, लेकिन उस छोकरे में इतनी लियाकत है जो हमारी जायदाद की देखभाल कर सके? हाँ हाँ है। माँ, अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं वो। ये भी फर्स्ट आते थे अपनी क्लास में, इसलिए इंटरव्यू के बाद ही कोई फैसला करूंगी। अरे दामाद के लिए इंटरव्यू, ये कोई बस ड्राइवर या बस कंडक्टर की पोस्ट है? ड्राइवर या बस कंडक्टर को जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन दामाद को नहीं। मैं शेखर के लिए चंद सवालात लिखूंगी, अगर उसने सही जवाब दिए तो ये शादी हो सकती है, वरना नहीं। पिताजी, मालूम नहीं अब माँ क्या सवाल लिखेंगी। तू चुप रहे, उसको लिखने तो दे, उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। दामाद के चुनाव के लिए इंटरव्यू, क्या कह रहे हो? किरण की माँ जरा सनकी है, और सनकी की सनक का फायदा उठाना सन सनाकी। क्या? मेरा मतलब अकलमंदी। देखो बेटा, ये रहा सवाल का पर्चा और ये रहा जवाब का, बड़ी मुश्किल से उड़ाया है। औरंगाबाद। क्या मतलब? अब मेरा मतलब धन्यवाद। क्या स्मगलिंग की है आपने? आप तो बड़े सज्जन पुरुष। मजबूरी है, मजबूरी। शेखर बेटा, तुम्हें मेरे लिए और किरण के लिए कमला की ये हट पूरी करनी ही चाहिए। लेकिन मैं अपने मन के खिलाफ किसी को धोखा नहीं दे सकता। कमाल, ये अपनी सगी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, और तुम अपनी होने वाली सास को धोखा नहीं दे सकते। अरे तुम जिससे प्यार करते हो उससे शादी करने के लिए झूठ बोलो, धोखा दो, तभी तो तुम्हें तुम्हारी अर्धांगिनी मिलेगी। किशन को जानते हो? हाँ। कौन सा किशन? मैं उस किशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपनी क्लास में पीछे बैठता है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। मुरली वाले, वाह 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 वाह, अर्जुन की सुभद्रा के साथ शादी कराने के लिए उन्होंने क्या चाल चली थी। अरे वही चाल तो ये महाशय चल रहे हैं। औरंगाबाद। नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, जवाब नहीं है तुम्हारा महेश। शेखर, मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अच्छा, आपकी आज्ञा मानना मेरा फर्ज है। सवालों और जवाबों को एक बार पढ़ लेना। आप बेफिक्र रहिए, कंठ करवा दूंगा, और पूछने पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह बजने लगेगा हिज मास्टर वॉइस। थैंक यू थैंक यू। तो कल सुबह पूरे 10 बजे घर पहुंच जाना। इसकी जिम्मेदारी मेरी, ऐसी चाबी भरूंगा कि सुबह अलार्म के साथ उठ जाएगा और ठीक 10 बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाए। महेश जी, ये सब तुम्हारे पुण्य का फल है। मेरे पुण्य का फल नहीं श्रीमान जी, ये आपके पाप का फल है। शेखर नमस्ते। श्रीमान जी, ये हार किस लिए? इसलिए कि आज तक सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स ही आउट हुए, लेकिन आप ही एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भी आंसर पेपर भी दोनों एक साथ में आउट कर दिए। आप हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल क्यों नहीं बन जाते? औरंगाबाद औरंगाबाद जी, औरंगाबाद। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शेखर, अभी तो उसको जल्दी से याद कर ले। आइए आइए, सवाल जवाब पढ़ लिए ना? अरे पढ़ क्या लिया, तोते की तरह रट लिया। बड़ी मुश्किल से उड़ाए थे वो सवाल जवाब। बड़ी मुश्किल से रटाए थे मैंने वो सवाल जवाब। माँ जी। किसकी माँ? बाप रे, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। ये कौन है? जी, मैं इनका चमचा हूँ। नहीं, मैं तो इनका दोस्त हूँ महेश। शेखर तो मुझे अपनी नाक का बाल समझता है, मैं हमेशा दुम की तरह इसके साथ रहता हूँ चिपक के। ये हनुमान की संतान तुम्हारा दोस्त है? जी हाँ, मैं इनका। क्या कहा? मैं बंदर? एक मिनट। हाँ, ये धार्मिक सवाल तो पर्चे में था ही नहीं। हाँ नहीं था। फिर ये पर्चा वर्चा क्या है? वो यूनिवर्सिटी के इम्तिहान आ रहे हैं ना, इसलिए इन बेचारों को दिन रात पर्चे की सूझती है। तुम अपना लो ना इंटरव्यू। बैठिए। मैं इनसे नहीं आपसे कह रही हूँ, बैठिए बैठिए ना। पति के जीवन में पत्नी का क्या दर्जा होना चाहिए? पति और पत्नी का बराबर का दर्जा होना चाहिए। शादी का क्या मतलब है?
स्त्री पुरुष का सामाजिक पवित्र बंध। गलत, मेरी राय में मर्द की गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। इसका क्या सबूत है कि तुम करण से प्रेम करते हो? इसका क्या सबूत है कि ये सवाल पूछते हुए आपका दिमाग ठिकाने पर है? जवाब टेढ़ा है। सवाल टेढ़ा होगा तो जवाब भी टेढ़ा होगा। दुनिया यकीन पर चलती है। मैं आप पर यकीन करता हूँ, आप मुझ पर यकीन कीजिए। घर जवाई का सास ससुर के साथ कैसा सलूक होना चाहिए? अगर उसमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं है तो सास ससुर की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। अपनी पत्नी के पीछे पीछे पालतू कुत्ते की तरह घूमना चाहिए। तुम्हारा क्या सलूक होगा? उस आदमी जैसा जिसमें गैरत है, आत्माभिमान है। वाह वाह वाह, शाबाश 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 शाबाश। मान लो कि तुम कमला ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर हो। अगर कोई ड्राइवर तुमसे ये कह के छुट्टी मांगता है मेरी औरत बीमार है, तो क्या तुम उसे छुट्टी दे दोगे या नौकरी से हटा दोगे? मैं उससे कहूंगा फौरन घर जाओ और अपनी पत्नी का गला घोंट दो। कमला ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वालों को पत्नी और छुट्टी से क्या वास्ता? नॉनसेंस। जानते हो इस इंटरव्यू का नतीजा क्या होगा? एकदम फेल। किरण मेरी नहीं होगी। यहाँ तुम फेल हो गए। मैं जानती थी बाप बेटी पर्चे चुरा कर तुम्हें देंगे और तुम इनके सिखाए हुए जवाब दोगे, मगर नहीं। मुझे तुम्हारे जवाब सुनकर खुशी हुई। तुम मेरी बेटी को चाहते हो, मेरे पैसे को नहीं। किरण की शादी तुम्हारे ही साथ होगी और कमला ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर भी तुम ही होगे। माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। तुमने मुझे अब भी गलत समझा, लेकिन मैंने तुम्हें सही समझा है। तुम में धीरज भी है और घमंड भी। शादी के बाद देखती हूँ कहाँ तक रहता है ये धीरज और घमंड। आप इसे माफ कर दीजिए, ये नादान बच्चा है, जरा कच्चा है। क्यों जी? जी जी जी, आपकी क्या राय? आपकी राय गवर्नमेंट की राय, मेरी क्या हो सकती है। ठीक ठीक है, शादी इसी महीने होगी। मुबारक मुबारक। तो कितनी अच्छी हो। जीती रहो बेटी, जीते रहो, जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। सरोजा, हनीमून की सब तैयारियां कर दी है मैडम। यार शेखर, हनीमून के लिए या तो तू मून पर जा या वीनस पर। देख 1970 में वो लोग ऊपर जाने वाले ये नजारे, दिल मेरा मचलने लगा जाने वफा। ऐ दिल रुबा ऐसे में आ मेरी बाहों में आ। रोक ले निगाहों के इशारे, तन मेरा पिघलने लगा, मैं हूँ तेरी तू है मेरा, आ मेरे दिल की पना। शाने पे मेरे गिरा दे सुल्फे, आंखों पे मेरी बिछा दे सुल्फे, ऐसा जगा दे प्यार का जादू, सारे जहां पे जाए नशा। रोक ले निगाहों के इशारे, कल मेरा पिघलने लगा, मैं हूं तेरी तू है मेरा, आ मेरे दिल की पना। ये रुत ये नजारे, दिल मेरा मचलने लगा जाने वफा। ऐ दिल रुबा
ऐसे में आ मेरी बाहों में आ। किरण, बच्चिया बिल्कुल तुम्हारे सूरत पर। आपकी तरह। अभी क्या मालूम, सूरत बदल जाती है। ये तो बच्चिया है। किरण, गंगा जमुना को नहलाया या नहीं? गंगा जमुना? हाँ, अपनी बच्चिया। माँ ने बड़ी का नाम गंगा और छोटी का नाम जमुना रख दिया है। वाह, मुझे बताए बगैर नाम भी रख लिया। इसमें बुरा क्या मानना, माँ बड़ी है, इन्होंने गंगा जमुना नाम रख दिया। ठीक है ठीक है। शेखर, 11 बज चुके हैं, अगर तुम ही दफ्तर देर से पहुंचोगे तो कंपनी का क्या होगा? याद रखो, तुम सिर्फ दामाद ही नहीं, हमारी बस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर भी हो। किसका मैनेजर, काहे का मैनेजर? अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। नाराज नहीं हुआ करते, माँ को आपसे ज्यादा तजुर्बा है, आपको इनकी बात माननी चाहिए। फिर मुझे मैनेजर की पोस्ट क्यों और मैनेजर की तनख्वाह क्यों? इसलिए कि तुम मेरे दामाद हो। फिर दामाद की पोस्ट के लिए तनख्वाह दे देती, घर में बैठकर बच्चों को पालने में झुलाता रहता। मगर इनकम टैक्स वाले नहीं मानेंगे ना। ओ। हेलो, क्या एक्सीडेंट? हमारी बस के नीचे आदमी आ गया। हॉस्पिटल पहुंचा दिया ना? हाँ? बहुत अच्छा किया, मैं अभी आ रहा हूं। ये रहा। देखिए, मैं कमला ट्रांसपोर्ट का मैनेजर हूँ, अपने बस ड्राइवर की गलती के लिए माफी मांगने के लिए आया। उसका कसूर नहीं है बेटे, कसूर तो हमारी इस बेटी माया के भाग का है। 15 दिन के बाद इसकी शादी होने वाली है, हम मजदूर हैं,
हमारी बड़ी इच्छा थी हमारी बेटी मजदूरी के काम से बची रहे, आराम से रहे। एक मैकेनिक से इसकी शादी भी पक्की हो गई, इतने में ये घायल हो गई। रोइए नहीं माता जी, मैं इसका भाई हूँ, मैं सब इंतजाम कर दूंगा और कंपनी भी तुम्हें हर जाने के रुपए देगी। कंपनी से एक औरत आई थी, हर जाने के 300 रुपए देकर मेरे से दस्तखत ले गई। कोई बात नहीं माँ जी, शादी के लिए जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। जीते रहो बेटा। किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। बेटी माया तू चली जाए इनके साथ। अच्छा नमस्ते, आओ बहन। सरोजा, ये उस गरीब आदमी की लड़की है जो हमारे बस के नीचे आकर बुरी तरह घायल हो गया। इसे हर जाने की 3000 रुपया देकर रसीद ले लो। हमने 300 रुपए देकर पहले ही रसीद ले ली है। क्यों, रुपए मिले नहीं तुम्हें? जी वो मुझे मालूम है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैं बॉस के बिना कुछ नहीं दूंगी। What do you mean? I'm sorry. जिस बात का फैसला हो चुका है उस पर इतनी बहस क्यों? लेकिन मेरी राय में ये सही फैसला नहीं हुआ। गरीब का खून इतना सस्ता नहीं कि उसे पानी के भाव बहाए जाए। मैंने 3000 रुपए देने का फैसला किया है। शेखर, जिस दिन हमारी मोटरें पेट्रोल से नहीं पानी से चलने लगेंगी उस दिन गरीबों का खून खुद ही महंगा हो जाएगा। उस दिन 30000 भी दे देंगे। ये व्यापार है, व्यापार दया धर्म को नहीं देखता। लेकिन इंसानियत दया धर्म को देखती है। मैंने आज ही 3000 रुपए देने का फैसला किया है। दूसरों का पैसा उड़ाना या दान करना बहुत आसान है, कमाकर देने में शान है, बड़प्पन है। ओ, आज समझा, सास ससुर की नौकरी करने से भूखों बनना अच्छा है। ये 3000 रुपए मैं दे रहा हूँ, मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। लो बहन। ये रही 3000 रुपए की रसीद और मेरा नौकरी से इस्तीफा। आइए आइए राय साहब, आइए आइए। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते महेश भैया। सिर्फ महेश नहीं, महेश के साथ में रमेश, सुरेश, दिनेश और गणेश कहाँ है? हाथी जैसा लेकिन बकरी की तरह बोलता है। ठीक है ठीक है। भाभी शेखर कहाँ है? आओ मेरे साथ। अबे वहां का देख रहा, चलना। आप खामोश क्यों खड़े हैं? देखिए कौन आए हैं, अपने दोस्तों को बिठाइए ना। हाँ, अरे शेखर क्या फर्स्ट क्लास इंतजाम किया। ठीक है ठीक है, वो बुड्ढी तो आज भी करेंगे। छोड़ना, चल बैठ। चलो अब शेखर देख यार, अपन बीए में फर्स्ट क्लास तो आने वाले नहीं और थर्ड क्लास अपनों को बिल्कुल पसंद। फिक्र क्यों करता है शेखर, जिंदाबाद, कमला ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद। तेरा ही क्या, हम सभी यतीमों का भला हो जाएगा। चल शुरू कर यार। तू नहीं खाएगा शेखर? तू खाना। माफ कीजिए। माफ किया। ये मेज बड़े लोगों के लिए रिजर्व है। क्यों, क्या बड़े लोगों के कोई खास सींग होते हैं, दुमची होती है? मेम साहब यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है, सब मेहमान है। मैं आपको शेखर का निमंत्रण पत्र दिखाऊं? मैंने कहा ना ये मेज खास लोगों के लिए है। चलो जा। चिल्लाते क्यों है, पूछ के बिठाना चाहिए था। आप लोग उठिए यहाँ से, जाके कहीं और बैठिए। व्हाट, अरे वाह, क्या हम लोग फुटबॉल है जो कभी इधर कभी उधर। प्लीज महेश मुझे माफ कर दे यार। शेखर माफ तो तू हम लोगों को कर दे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, हमको तेरा ये समोसा नहीं खाना है। शेखर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस घर में तेरी इतनी इज्जत। चलो महेश, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज गणेश मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज प्लीज। शेखर मुझे नहीं मालूम था कि इस घर में तेरी इतनी इज्जत है। चलो। अरे महेश बेटा तो कुछ खाया पिया है? बाथरूम बाथरूम, ये तुम्हारे दोस्त मालूम होता बगैर खाए पिए जा रहे हैं, उनको रोको भाई। अरे सोच क्या रहे हो? सोच रहा हूँ आपकी जगह मुझे मिल गई। जी हाँ, आपका घर खेल का मैदान है, आज तक आप गेंद की तरह लुढ़कते रहे, उछलते रहे, और अब आपकी पत्नी मुझे गेंद बनाना चाहती है, ठोकर मारना चाहती है। लेकिन कभी कभी गेंद में ठोकर मारने वाला खिलाड़ी भी ठोकर खा जाता है, गिर पड़ता है। किरण आओ मेरे साथ। ये क्या बदतमीजी, लोग देख रहे हैं तू इसे मजदूरों की तरह खींच रहा है। आज मैं यही बताऊंगा कि मैं मजदूर हूँ या बादशाह,
आओ। मेरा हाथ तो छोड़िए, लोग क्या कहेंगे? कहने का ब्रह क्या क्या है? ये कमला ट्रांसपोर्ट कंपनी की सिल्वर जुबली नहीं बल्कि मेरे अपमानों की जुबली। हुआ क्या? क्या हुआ? बात क्या है? उठाओ बच्चों को, हराम है इस घर का पानी पीना, एक मिनट नहीं ठहरूंगा यहाँ। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताइए। मैं बताती हूँ, इस नालायक को घर जवाई बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माँ ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, एक जानवर से पाला पड़ गया है हमारा। मैं इंसान हूँ और इंसान को जानवर कहने वाला खुद जानवर होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? माँ आपसे उम्र में बड़ी है, रिश्ते में बड़ी है, कुछ तो आदर से बात करनी चाहिए। आदर का सबक सीखा है किसी ने इस घर में? कितना आदर है तुम्हारे पिताजी का इस घर में, और तुम देख रही हो ये मेरा कितना आदर कर रही है। उठाओ बच्चों का, चलो मेरे साथ। किरण चलती हो या नहीं? जरा सोचिए तो, कहाँ चल? जहाँ मैं कहूँ, इस घर की छाया में रहने से खुले मैदान में रहना अच्छा है। रोकता कौन है तुझे? खुले मैदान में जा या ढके मैदान में जा। तू चुप रहे, खुद का पेट भरने की लियाकत नहीं, बीवी बच्चों को साथ ले जाना चाहता है। चुप करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चुप है, अंदर जा। माँ, छोड़ दो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला है, किरण को बाहर आने दीजिए। किरण बाहर नहीं आएगी, तू बाहर जा सकता है। किरण इसी घर में रहेगी, वो मेरी बेटी है। वो मेरी पत्नी है, उस पर आपका नहीं मेरा हक है, मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। वो नहीं जाएगी, तुझे रहना है रह, जाना है चला जा, ये मेरा फैसला है। मैं आपका नहीं किरण का फैसला सुनना चाहता हूँ। किरण तुम यहाँ रहना चाहती हो या मेरे साथ चलना चाहती हो? तुम्हें माँ चाहिए या पति चाहिए? किरण जवाब दो, किरण जवाब दो। किरण अगर तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं चलोगी तो जिंदगी भर मेरी सूरत नहीं देख सकोगी। किरण का जवाब न देना ही उसका फैसला है, उसे माँ चाहिए, वो यही रहेगी। ठीक है। खबरदार जो बच्चियों को हाथ लगाया। ये बच्चियाँ मेरी है, मैं इन्हें ले जाऊंगा। दूध पीता बच्चा माँ के पास रहता है, कानून भी यही कहता है। मुझे कायदे कानून की परवाह नहीं, एक बच्ची मेरे पास रहेगी। शेखर मुझे पुलिस बुलाने के लिए मजबूर न कर। जो जी में आए कीजिए। अजी सुनिए, जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए, शेखर गंगा को ले जा रहा है। ओहो तो क्या हुआ, अपनी बेटी को ही ले जा रहा है? तुम्हारी बस का टायर तो नहीं ले जा रहा? गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाएगा। चलो बाहर, तुम्हें लोग पूछ रहे हैं। मगर मगर कुछ गंगा चल तो पड़ा सिंगापुर, लेकिन वहां जाके करूंगा क्या? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है गंगा, अंधेरा ही अंधेरा है। इस साल हमारा बिजनेस बहुत नुकसान में गया। नुकसान? और आपको क्या करे मिस्टर आनंद, आया मोल्ड, कोई लायक आदमी हो तो बताइए। राधा कहाँ गई? राधा कहाँ गई जी? राधा बोल निकल गई। सुनिए, आपने हमारी बच्ची को बचाकर बड़ा एहसान किया, ये लीजिए पैसा। बच्ची को बचाने के लिए पैसा लेना इंसानियत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वेरी गुड, आपकी बातों से हम बहुत खुश हुआ। यंग मैन यहाँ क्या करता है? कुछ नहीं, इंडिया से आया हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। इंडिया में कहाँ का रहने वाला है जी? बेंगलोर का। हम भी पहले बेंगलोर में रहता था, वहाँ बंगलो है हमारा। राय साहब अरबन सराल के जानता है तुम? जी हाँ, वो तो कभी के गुजर गए,
हाँ, वो हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड थे। अच्छा, मैं उन्हीं का पोता हूँ। वो, you are his grandson. Yes. You are my grandson also, and my manager too. Thank you, sir. प्रियतम शेखर, मैं आपके और गंगा के लिए मछली की तरह तड़प रही हूँ। ये इश्तहार पढ़ते ही घर लौट आइए या मुझे अपने साथ ले जाइए। आपकी किरण। माया, देखा? अरे, ये तो वही है जिन्होंने हमारी शादी के लिए 3000 रुपए दिए थे। ओह, इतने अच्छे आदमी पर भी ऐसी मुसीबत आ सकती है। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेखर, क्या कर रही हो गंगा बेटी? एक खिलौना फेंकती है, दूसरे उठाती है, यही काम है इसका। तुम भी तो यही करते हो, एक पैर रखते हो, दूसरे देखते हो, हर को भी ऑफिस बना रखा है। बॉस, मैं ये चाहता हूँ कि गंगा के समझदार होने तक मैं किसी लायक बन जाऊँ, ताकि मैं इसे वो ऐश और आराम की जिंदगी दे सकूँ जिसमें से मैं इसे उठा कर ले आया था। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, चीयर अप माय बॉय। लो बेटी, इस गेंद से खेलो। फेंको, 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 फेंको। गंगा बेटी, हम ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा पिताजी। बख्शीश। जमुना बेटी, लो दूध पी लो। मम्मी, क्या दूध का वक्त है? नानी इस वक्त एप्पल जूस देती हैं, तुम कुछ नहीं जानती। तुम ठीक कह रही हो बेटी, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ बेटी। इसका क्या मतलब है? किसका? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। हम तो अपनी जन्मभूमि से भी दूर, माँ से भी दूर। पिताजी, माँ से कब मिलाएंगे? गंगा, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ का जिक्र मत किया करो। आप भी तो कहते हैं माँ स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, और आप माँ के नाम से भी चिढ़ते हैं। चलो पढ़ो। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। हाँ, गुड मॉर्निंग गंगा डार्लिंग। गुड मॉर्निंग बॉस। नो 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 मिस्टर शेखर, अब तुम हमें बॉस मत बोलो, अब तुम हमारा पार्टनर हो गया। मैं पार्टनर है? मेरा मतलब है आपकी कंपनी में हिस्सेदार। यस, तुमने एक दिन बोला था मैं किसी लायक बनना चाहता हूँ, हमने उसी दिन तुम्हें अपना पार्टनर मान लिया था। फायदे में 14 हिस्सा तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत से हमारे कंपनी को जो नुकसान में जाती थी, बड़ा फायदा हुआ है। थैंक यू मिस्टर जोसेफ, थैंक यू वेरी मच। दूसरा बात, अब हम रिटायर होकर अपना मदरलैंड अफ्रीका जाना मांगता है। पिताजी, हम अपनी मातृभूमि कब जाएंगे? हम तो तुम भी जाओ डार्लिंग, मातृभूमि मातृभूमि। शेखर, बच्ची भी भारत जाना मांगती है, तुम इंडिया जाओ। हम अपना बेंगलोर का बंगलो गंगा बेटी को प्रसन्न करता है। थैंक यू सर। आप भी चले ना हमारे साथ ग्रैंडपा। हाँ हाँ, हम जरूर आएगा तुम्हें देखने। मुस्लिम को तस्लीम मर्ज है, हिंदू को परनाम। प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम। जब जब दूजे का सर मूंडू, तब तब पाऊ दाम। प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम। सबकी खातिर खुला हुआ है इस कैंची का खाता, सबकी खातिर खुला हुआ है इस कैंची का खाता। क्या पंडित जी क्या मौलाना, सबसे अपना नाता। क्या पंडित जी क्या मौलाना, सबसे अपना। अरे सफेद बाल। सबके हुलिये चौकस रखना हम लोगों का काम। प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम, प्यारे मैं हूँ
हज्जाम मुस्लिम को तस्लीम अर्ज है हिंदू को परनाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम जुल्फे एक्टर छाप बना दूं आ जाओ मतवाले आज के दिल पर को भाते हैं चेहरे मेकअप वाले पीछे का ठीक है सामने का ठीक है जुल्फे एक्टर छाप बना दूं आ जाओ मतवाले आज के दिल पर को भाते हैं चेहरे मेकअप वाले सबसे परी पीछे पाएगा पहले बन गुलफाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम मुस्लिम को तस्लीम अर्ज है हिंदू को परनाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम पेशे के रूप बहुत है क्या तुमको समझाए इस पेशे के रूप बहुत है क्या तुमको समझाए जो ग्राहक के सर को मुंडे बिजनेसमैन कहाए एम्बेसडर हेराल्ड पीपी जो ग्राहक के सर को मुंडे बिजनेसमैन कहाए जो पब्लिक की करे हजामत जो पब्लिक की करे हजामत उनका लीडर नाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम मुस्लिम को तस्लीम मर्ज है हिंदू को परनाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम अरे जब जब दूजे का सर मुनू तब तब पाऊँ दाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम प्यारे मैं हूँ एक हज्जाम करा लो अरे धरती अरे महेश महेश ये क्या हुलिया बना रखा है तूने कुछ नहीं यार आजकल जरा पब्लिक की हजामत कर रहा हूँ लेकिन तू कहाँ था इतने दिन मैं तो यार सिंगापुर में था सिंगापुर हाँ एक महीना हुआ इधर आ चल घर चल नहीं नहीं शेखर मैं तो क्या हुआ चल ना अच्छा मैं आगे था अच्छा चल अंदर चल अरे बाप रे ये तो बहुत शानदार मकान बहुत बड़ा है कितना किराया शेखर अरे भाई ये घर अपना है मेरे बॉस मिस्टर जोसेफ ने ये गंगा को भेंट किया है और सुना क्या हाल चाल है तेरा हाल खराब है यार और चाल तो तू देख ही रहा है शेखर तेरे जाने के बाद मैंने क्या क्या पापड़ दिए बोझ उठाया जूता चमकाया पेपर बांटे खींचे ठेले अरे तू तो शायर बन गया यार गाना सीखा सारे गामा पादा नहीं सब बजाना सीखा वाह 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 रसोई की कला सीखी यानी कि खाना भी बनाना जानता हूँ गर्ज ये कि इन 7-8 वर्षों में मैंने 64 कलाएं सीखी अच्छा लेकिन फिर भी इस चमड़े की झोपड़ी की आग नहीं बुझी मतलब कि पेट नहीं भरा शेखर यार ये बात सच है कि हर कलाकार हर फनकार हर शरीफ आदमी भूखा मरता महेश अब तू भूखा नहीं रहेगा आज से तू मेरा सेक्रेटरी है समझा नहीं यार बिना विभाग के मंत्री की तरह मैं इस घर के सारे विभाग संभालूंगा जल विभाग भोजन विभाग मसलन बटलर बटलर हाँ बटलर नहीं नहीं तुम बटलर को क्या समझते हो यार बटलर तो मालिक से पहले खाना खाता मालिक छोड़ दो हिटलर भी बटलर का बचा हुआ खाना खाता था अच्छा 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 आज से जो तेरे जिम्मे आएगा ठीक है सुन शादी किया नहीं तेरी हालत देखकर औरत जात से नफरत हो गई जिस घर में औरत थी वहां नौकरी भी नहीं की कसम खा ली कि अपने को सिंगल से डबल होना ही नहीं अच्छा अच्छा चल अंदर चल पिताजी पिताजी स्कूल चले हाँ चलो बेटी महेश इसे पहचाना नहीं गंगा है अरे बाप रे ये इतनी बड़ी हो गई इसका मतलब मैं बूढ़ा हो गया पिताजी ये कौन है ये बेटा मैं तुम्हारा महेश अंकल हूँ तुम्हारे पैदा होने से पहले का तुम्हारे बाप का दोस्त
अच्छा अच्छा पिताजी डांस सिखाने वाले कब आएंगी? आज बुलाया है बेटी। हमारा बेटा डांस भी सीखता है। सीखता है नहीं, सीखती है कहना चाहिए, मैं लड़की हूँ। मालूम है बेटा, लेकिन तू ग्रामर की टांग क्यों खींच रही है? शेखर बिटिया बहुत होशियार है। अंकल तुम बहुत अच्छे हो। क्या कहा बेटी? तुम बहुत अच्छे हो। ये क्या मम्मी, हमेशा फोटो देखना और रोना। क्या रोने से पिताजी आ जाएंगे? ठीक है जमुना, इसे इतनी भी अकल नहीं। नानी जब पिताजी दीदी को ले जा रहे थे तो तुम सब क्या कर रहे थे? मैं होती तो पिताजी को पकड़ लेती और दीदी को छीन लेती। तुम थी बेटी लेकिन पलने में लेटी थी। मैं देखा नहीं, शायद सो रही होंगी। कितनी मीठी मीठी बातें करती। चल टाइम हो गया, तुझे स्कूल छोड़कर मुझे दफ्तर जाना है। अच्छा मम्मी मैं जाती हूँ, रोना मत। नहीं बेटे अब तो जा। किरण ये लो रुपए। रुपए मुझे क्यों दे रहे हैं? शेखर ने भेजे हैं बेटे, और साथ में खत भी भेजा है। खत? श्रीमान पिताजी, आपका दिया हुआ दान सूद के साथ वापस लौटा रहा हूं, आपका शेखर। मेरे लिए कुछ भी नहीं लिखा, जमुना के लिए भी नहीं, पता तक नहीं लिखा अपना। जिस तरह हम उसे वकील की मार्फत रुपया भेजा करते थे, उसी तरह एक आदमी आया और आकर रुपया देकर चला गया। मगर बेटा इतनी तसल्ली तो हुई कि वो जहां भी है खुशहाल है। लो। मैं ये रुपये लेकर क्या करूंगी, इन्हें मां को दे दीजिए। जिस दिन उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा था उस दिन मैं भी उनके साथ इस कर्ज के नीचे दब गई थी। उन्होंने कर्ज तो उतार दिया मगर मुझे भुला दिया। रानी रानी कितनी अच्छी पेंसिल है ये। ऐसी दो है मेरे पास, एक एक रुपए की एक। एक मुझे दोगी? पैसे? पैसे कल दे दूंगी। अच्छा ले। जमुना जवाब नहीं, बड़ा बढ़िया है तेरा फ्रॉक। इसे मेरी नानी ने अमेरिका से मंगाया है। जमुना चप्पल भी बड़े खूबसूरत हैं, लंदन से मंगाया है मेरी नानी ने। बैग भी बड़ा नफीस है, इसे मेरी नानी ने जापान से मंगाया है। इसकी नानी ने किसी विदेशी माल की नुमाइश बना दी है। जमुना जमुना ये लड़की है ना सिंगापुर की, बड़ी घमंडी है, अपनी को सबसे होशियार समझती है। क्या होशियार है? होशियार तो नहीं लेकिन सूरत तेरी जैसी है। ये लड़की तू मेरी जैसी क्यों है? मैं तेरी जैसी कहाँ हूँ, तू फ्रॉक पहन रही है, मैं सलवार कमीज। इसलिए नहीं, मैं पूछती हूँ तेरी सूरत मेरी सूरत से क्यों मिलती है? भगवान से पूछ या अपनी नानी से पूछ, उसे रूह से मंगाई होगी। टीचर गुड मॉर्निंग। टीचर गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस। बच्चों कल तुमको टॉलस्टॉय की मशहूर कहानी लिटिल गर्ल्स आर वाइजर देन मेन
यानी छोटी बच्चियां बड़ों से अकलमंद हैं, सुनाई थी, याद है? हाँ टीचर। टीचर, इस कहानी के आधार पर मेरे पिताजी ने मुझे एक गाना सिखाया है, गाऊं टीचर? गाओ। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे, इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जू जू उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, छूटी जात और पात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। शाबाश गंगा। एक डांस टीचर आने वाली थी, अभी तक आई नहीं। या एक तो वो औरत, ऊपर से डांसर, कम से कम एक घंटा लगेगा चूना लगाने के। चूना मेरा मतलब पाउडर। पहले तो वो बैंगन में मसाला भरेगी, यानी कि काजल, और फिर लिपस्टिक लगाएगी, फिर रूज मारेगी। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए आइए। ये मेरी बेबी है। नमस्ते। और इनकी बेबी? इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। और आपकी? महेश यार, मतलब मेरी बेबी ने बड़े बड़े अफसरों के बच्चों को डांस सिखाया है। बच गए, मैं समझा अफसरों को। बेबी का नाम क्या? मैनिका। मैनिका? लेकिन यहाँ तो कोई विश्वामित्र नहीं। चुप रहे। देखिए। हाँ देखिए। देखिए बच्ची सुबह स्कूल जाती है, अब शाम को आ सकती है। इनका क्या है, ये तो कभी भी आ सकती है। अरे बाप रे, घंटी बजी, टेलीफोन। एक्सक्यूज मी, बड़ी बेबी का नाम क्या है? मधुमती। क्यों मारती हो? तुम कौन हो? मैं मर्द हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ,
शेखर बाबू के साले हो क्या? क्या था साला? लगा लो अपने मुंह को ताला। अच्छा अच्छा, ये परिक्रमा क्यों लगा रही हो? क्या ये मकान खरीदने का इरादा? अरे नहीं रे, इतना बड़ा घर और शेखर बाबू अकेले। अकेले नहीं, तिकेले। तिकेले? एक मैं, दूसरे शेखर बाबू, तीसरी हमारी नन्ही सी बिटिया गंगा। तकलीफ हुई? अरे तूने मेरे शेखर को क्या समझ रखा है? करोड़पति पत्नी को फुटबॉल की तरह लात मार के चला आया। अरे पर इस घर में तू है क्या? मैं घर में सब कुछ हूँ, बावर्ची भी हूँ, बावर्ची खाना भी हूँ, मैं गधा भी हूँ। जरा संभल के रहना, लात भी मारता हूँ। मुझे पाँव बांधने आते हैं। अरे छोड़ छोड़ मेरा पैर, मैं कहता हूँ मेरे पैर को नापाक न कर। छोड़। अपने पास एक नहीं, दो नहीं, बीसों गाड़ियां हैं, लेकिन तुम मंदिर हमेशा पैदल ही जाती हो। भगवान के दर्शनों को पैदल ही जाते हैं बच्चे। क्यों? नानी तो जब भी भगवान के दर्शन करने जाती है गाड़ी में बैठ कर जाती है, बड़ी गाड़ी में। वो नानी है। क्यों? नानी क्या तुमसे ज्यादा अच्छी है? हाँ बेटे, वो तेरी मम्मी की मम्मी है और मैं सिर्फ तेरी मम्मी हूँ। भगवान भी अजीब है, डबल मम्मी को गाड़ी में जाने देते हैं। आप यहाँ क्यों खड़े? अंदर आ जाइए। कोई बात नहीं, बारिश बहुत तेज है, आइए ना। आओ मम्मी। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आई। मम्मी मैं वरांडे में बारिश देखूं? अच्छा बेटी, मगर बारिश में भीगना मत। हाँ? अच्छा देखिए, आप नाइट ड्यूटी पर जा रहे हैं, रात भर जागना है आपको। इसमें दूध है, पीना मत भूल जाइए। भूलूंगा कैसे? सुनिए। क्या है? देखिए छाता भूल गए। बाहर बारिश हो रही और जल्दी ऐसी। लीजिए माया। थोड़ा थोड़ा प्यार उंडेला करो। इतना प्यार भरा इस छोटी सी दिल में कि हजार बरस तक खाली नहीं होगा। मेरी माया। अरे मुन्नी कहाँ है? बाहर बरांडे में खेल रही है। आपके कोई बच्चा? वो बच्चों के भी बच्चे हैं, सारा वक्त उन्हीं की देखभाल करने में गुजर जाता है। आपकी सेवा और भक्ति तो मैंने देख ली। वो तो मेरे संसार के राजा है, जहाँ काम पर जाते हैं वहां तो सर झुकाते ही होंगे। अगर घर में भी सर झुकाना पड़े, मान और सेवा का सुख न मिले तो क्या बीतेगी उन पर? ये तो स्त्री की जिम्मेदारी है, वही अपने घर को स्वर्ग या नरक बनाती है। आप ठीक कर रही हैं बहन, इस दुनिया में बहुत सी बदनसीब औरतें हैं जिन्होंने इस सच्चाई को भूलकर अपने घर को नरक बना रखा है। बड़े भाग्य से मिलता है ये सुख। स्वर्ग है आपका घर। एक देवता की दया से मिला है मुझे स्वर्ग। आइए आपको दिखाऊं। इन्हीं के दिए हुए रुपयों से मेरी शादी हुई, लेकिन हमारा घर बसाकर बेचारे खुद बेघर हो गए। इनकी पत्नी ने नर्क बना दिया इनके घर को। अपने घर को नर्क बनाने वाली अभागत, अपने भगवान को न पहचानने वाली अंधी, मैं इनकी पत्नी हूं।
मम्मी मम्मी बारिश बंद हो गई, चलो मंदिर चलें। हम मंदिर में ही हैं बेटे, अब घर चलेंगे। अच्छा बहन, तुम्हारा स्वर्ग हमेशा फूले फले। भी न था तुम्हारी खता, खुद सजा हो गई। कुछ भी न था तुम्हारी खता, खुद सजा हो गई। जिस घर को हमेशा के लिए ठुकरा दिया, किस मुंह से जाऊं उस घर में? मैं जाऊंगा इस थोबड़े से। अरे ये अंगूठी को ले रहा है तू? हाँ अभी बता दो। ये क्या? राम भक्त हनुमान, सीता कैसे पहचाने? ये अंगूठी रही राम की निशानी और ये रहा हनुमान। किरण, ये अचानक क्या हो गया है तुझे? कल रात से खाना नहीं खाया और अब भी ऐसी बैठी है? तुझे आकर यहाँ किस बात की कमी है? दोस्त माँ की बेटी है जो लाखों से खेलती है। लाखों रुपए पति की जगह नहीं ले सकते माँ। पति के बिना पत्नी का जीवन उस मंदिर की तरह है जिसमें भगवान की मूर्ति ना हो।
तेरे उस भगवान को भाग्य में 7-8 साल हो चुके हैं। मुझे तो उसे उसी दिन गिरफ्तार करा देना चाहिए था। मगर उस शेखर का बच्चा भी मुझे कहीं मिल जाए तो उसे पुलिस के हवाले कर दो, जेल भिजवा कर ही दम लो। पुलिस जेल? भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है? मेरा सुख लुट गया, मेरी गृहस्थी उजड़ गई, लेकिन तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। कितने बरसों से मैं जेल की यातना से भी कठिन यातना भुगत रही हूँ और तुम उन्हें जेल भेजने की बात कर रही हो। तुम्हारे कारण वो मुझसे दूर चले गए। भगवान के लिए उनके बारे में कुछ न कहो, कुछ न कहो। चुप है। बस बस, तुम भी चुप रहो। हमेशा मम्मी के पीछे पड़ी रहती हो। क्या बिगाड़ा इन्होंने तुम्हारा? जब देखो मम्मी को सताती रहती हो। क्या बाप की तरह नाक खींच रही है और आंखें भी बाप की तरह दिखा रही है? अब माँ बेटी उसकी याद में बैठी फूल चढ़ाती रहो। जमुना, नानी से इस तरह नहीं बोला करते बेटे। क्यों ना बोलूं? मेरे पिताजी को भगा दिए इन्होंने। अगर पिताजी होते तो मुझे भी खूब सिखाते। एक सिंगापुर की लड़की है मेरे स्कूल में, उसके पिताजी उसे लिखना, पढ़ना, नाचना, गाना सब सिखाते हैं। मम्मी, मुझे भी पिताजी चाहिए। जमुना, जमुना। महेश, ये सब क्या कर रहे तू? हाँ, ये हनुमान उस लंका से खुद ही चल के चला आया। मतलब? मतलब कुछ नहीं, ये पकड़ो अपनी अंगूठी। मैं गया था सीता को अंगूठी दिखाने और खुद का अंगूठा देखता हुआ चला आ रहा हूँ। ए, तेरे सर तो नहीं फिर गया? हाँ, फिर गया मेरा सर। शेखर, अब हम इस देश को अंगूठा दिखा देंगे। हम उस देश में जाएंगे जिस देश में गंगा न बहती हो शेखर, जहाँ पति पत्नी का झगड़ा ना होता हो, और अगर होता हो तो फटाफट खत्म हो जाता। अच्छा हनुमान जी महाराज, ये तो बताओ हुआ क्या है? वो कलयुग की सीता। अरे रोते क्यों हैं? मेरे राम को बनवास भेजना चाहती है। बनवास? तुझे जेल भेजना चाहती है, मैंने अपने कानों से सुना, उसकी माँ बोल रही थी। जेल भेजना चाहती है? जो थोड़ा बहुत बंधन था वो भी टूट गया। इसका मतलब माँ बेटे का दिल अभी तक बदला नहीं। बदलेगा कैसे? पैसों का जो घमंड है। शेखर, मेरी बात मान लो, चलो सिंगापुर चलते हैं। तू क्या समझता है औरतों से डर कर मैं भाग जाऊंगा? 1, 2 Thank you.
शेखर, शेखर तू उधर घूर घूर के देख रहा है, लेकिन डर मुझे लग रहा है। देख यार, औरत का साथ तेरे भाग्य में नहीं लिखा। एक तो तुझे जेल भेज रही, ये तुझे न जाने कहां भेज देगी। अरे तू भी पागल है। मैं पागल सही, लेकिन तू पागल मत बन। ये मेन का डांसर है, डांसर। नहीं नहीं, ये बहुत शरीफ है। जा तू अपना खाना पका। अच्छा मैंने कहा आप बहुत अच्छा नाचते हैं। गंगा को अपने से भी अच्छी डांसर बना दूंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी गंगा को आप जैसी कला की देवी नाच सिखाने को मिली। माँ जी अगर आप मुनासिब समझे तो आप दोनों इसी घर में रहा करें। मेरा मतलब है आपको आने जाने की तकलीफ नहीं होगी और मेरी गंगा को मेनका जैसी देवी का साथ मिल जाएगा। हम आपका कहना कैसे टाल सकते हैं, और फिर गंगा भी तो मेनका को जान से ज्यादा प्यारी है। हम कल से यहाँ रहने आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं मिठाई लाना भूल गया। बेटे तेरा दही लाना। दही दूध दूध दही दूध। अच्छा मुटल्लो, अब समझ में आया कि लोगों को इतना मक्का कैसे लगाती हो। मेम साहब ये बावर्ची खाना है, कोई भैंसों का तबेला नहीं। अरे ज्यादा मक्का मत खा वरना फिसल के गिर जाएगी। चलो उठो। अबे बेसिन का भैंसा बाहर डाल दे, नाश्ता खाने दे। क्या कहा? नाश्ता बहुत सुंदर बनाया है। सच्ची? फिर खोलो। क्या मुंह मालूम होता है जन्म में तुम जरूर औरत हो गया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन तुम्हारे साथ और चार दिन रहूंगा तो जानती हो अगले जन्म में क्या बनूंगा? क्या? ये। लेकिन तुम पिछले जन्म में जरूर भैंस होगी या फिर बकरसुर की बहन। अरे क्या बता रहे सोनिया के बच्चे, आज से ये हमारा घर है। ए, छोड़ मेरा हाथ। हाँ? अब क्या मेरा हाथ खाने का रहा था? छोड़। नहीं नहीं मरेगा मरेगा। मैंने तो सिर्फ चमचा उठाया और कह रही मैं चमचे से मार रहा हूँ। चमची तू तो झूठ बोलने में चिनियों को भी मात कर गई। तेरी तो पैकिंग करके पिकिंग भेज देना चाहिए। अरे चिनियों को भाई मैं तेरा बंडल बनाकर चीन भेज दूंगी, समझता क्या है? अरे मैं अभी जाके शेखर को बोलता हूँ। सुबह शाम कपड़े बदल लिया करना। हाँ मम्मी तुम तो मुझे बिल्कुल बच्चे समझती हो। मैं और कहीं तो नहीं जा रही, जा रही है। होशियारी से रहना बेटी, और देखो किसी से झगड़ना नहीं। झगड़ूंगी नहीं, लेकिन किसी की सुनूंगी भी नहीं। नानी की धोती हूँ। शाबाश जमुना, तू जरूर नानी का नाम रोशन करेगी। अच्छा बेटी ये चॉकलेट और बिस्कुट के डब्बे भी साथ ले लीजिए। अच्छा माँ, इसे अकेले भेजने को मेरा जी नहीं चाहता। पिकनिक पर जा रही है, दिल बहलने के अलावा ज्ञान बढ़ता है, कुछ सीखने को मिलता है। मम्मी ये फोटो ले जाओ। ये फोटो लेकर क्या करोगी बेटे? तुम्हारी याद आएगी तो फोटो को देख लिया करूंगी। जमुना चलो बेटे, तुम्हें देर हो रही है। संभल के जाना मुन्नी। पिताजी सबकी माँ आई है, मेरी माँ होती तो वो भी आती। मैं आई हूँ ना। आप माँ नहीं टीचर है। पिताजी मैं पिकनिक को जा रही हूँ और आपकी तबीयत ठीक नहीं, कहो तो ना जाऊँ। आज तो मैं अच्छा हूँ बेटी, तुम शौक से जाओ। लो भूल गई बख्शीश। टाटा टाटा। Thank you.
बेटे मैंने जो को समझाया वो याद रखना। हाँ अच्छा टाटा। अरे ये तो लेते जाओ। तुमने रुमाल गिरा दिया बेटी, ये ले। शुक्रिया। अब तबीयत कैसी? ठीक। बेबी दवा देना भूल गई क्या? अरे हाँ। लेकिन दवा तो मुझे खाने के बाद लेनी है। ये दवा खाने से पहले। हो लीजिए। इसमें तो शराब की बू आती है। बू शराब की है, गुण दवा का है। ठीक है तुम कहती हो तो पी लेता हूँ। माँ कहती है मात्रा में जहर पे अमृत होता है और मात्रा के बाहर अमृत से जहर बन जाता है। गंगा 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 ये बहुत अच्छा है। देख कैसी मक्खी सी मंडरा रही है गंगा के चारों तरफ। तू बहुत अकड़ू है इसलिए लड़कियाँ तेरे पास नहीं आती। क्या करूँ नानी की आदतें पड़ गई है मुझे। कोई बात नहीं उन्हें बुलाऊं तेरे पास। हाँ बुला। ला बिस्कुट का डब्बा ले। बिस्कुट बिस्कुट जमुना बिस्कुट बांध रही है। जमुना बिस्कुट बांध रही है। लाइन लगाओ। बोलो जमुना सबकी रानी गंगा नौकरानी। बिस्कुट खाने से पहले या खाने के बाद? खाने से पहले। बोलो जमुना सबकी रानी गंगा नौकरानी। ले बिस्कुट दे। मेरे बाप के साथ भी लोगों ने यही किया। क्या किया? इलेक्शन में रुपये डैडी से लिए और वोट दूसरों को दी। तेरे पिताजी ने उनके साथ कुछ नहीं किया? किया कैसे नहीं, मौका देखकर बराबर बदला लिया। फिर हमें भी कुछ करना चाहिए। गंगा तू ठीक कहती है मैं झगड़ा करने वाली हूँ लेकिन अब नहीं झगड़ूंगी। आज से हम दोनों पक्की दोस्त हैं और ये चॉकलेट का डब्बा मेरी दोस्ती का सबूत है। ले ज्ञान बढ़ाने के लिए आते हैं और तुम लोग झगड़ रही हो। तुम्हारे लिए अब एक ही सजा है। चलो जब तक तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करना नहीं सीखोगी इसी कमरे में बंद रहोगी। ये मेरी
फिर से बहुत अच्छी खिलाड़ी हो तुम। खिलाड़ी तो आप हैं, मैं तो खिलौना हूँ। जैसे नचाएंगे वैसे नाचूंगी। अच्छा अरे इस खेल के चक्कर में दवा पिलाना भूल गई। वो नहीं मन गौर नहीं, अब भी तो पी है, मेरा सर घूम रहा है। इसीलिए तो दे रही हूँ, अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी। खाने पर वो टूटते हैं जिन्हें कभी खाना नहीं मिलता। बाद में खाने वाला फिर झूठन खाएगा। हम पहला टुकड़ा कुत्ते बिल्ली को फेंकते हैं। कुत्ते बिल्ली बैठे द्विधा करते हैं। झूठी पत्तल जानवर छोड़ कर जाते हैं। झूठी पत्तल भिखारी उठाते हैं। हमारे घर में तो नौकर उठाते हैं। नौकर, नौकरों के मोहताज अप्पा ही होते हैं। ये वो नन्हे फूल है जो
ये कीड़ा काटता नहीं। मुझे जल लग रहा है। चल जमुना, तू मेरे पास हो जा। तू सच कह रही है? हाँ, चल। बैठ। सो जा। माँ मुझे याद करती होंगी। पिताजी को भी मेरी याद आती होगी।
माँ ये क्या कर रही हो? सुबह होने दे। ले गंगा चॉकलेट खा। अच्छी है ना? हाँ। नमस्ते टीचर। नमस्ते। अरे वाह तुम दोनों में मेल हो गया। मेल ही नहीं हम दोनों पक्की दोस्त बन गई हैं। टीचर रात के गाने ने हमारा दिल ही बदल दिया। तुम्हारे दिल कोमल है इसीलिए टॉलस्टॉय ने कहा है लिटिल गर्ल्स आर वाइजर देन मेन यानी छोटी बच्चियां बड़ों से अक्लमंद होती हैं। आज हम वापस चलेंगे अपना अपना सामान बैग में बंद करके तैयार रहने। अच्छा टीचर। ये मैंने क्या किया? एक बार ली है अपने नसीब में तूने। गलती शेखर की नहीं मेरी गलती है। मैंने उसे शरीफ समझकर बीमार समझकर तुझे उसके पास जाने दिया। हाय 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 हमें शेखर ने कहीं का न छोड़ा। हाय हाय उन्हें कुछ न कहो माँ बुखार की बेहोशी में उन्होंने नाचने को कहा मैं नाची। उन्होंने पास बैठने को कहा मैं बैठ गई। फिर मैं जानती हूँ क्या हुआ लेकिन जब लुट गए तो चिल्लाने से क्या फायदा। माँ जी मुझे अपने पर यकीन है लेकिन बेहोशी में कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांग लेने से इसका कलंक नहीं धुल जाएगा। इस बेवकूफ ने तुम्हें देवता समझ रखा था लेकिन तुम राक्षस निकले। तुम्हें सोचना चाहिए था कि इसके भविष्य का क्या होगा। माँ जी अब मेनका का भविष्य मेरा भविष्य है। रो नहीं मेनका रो नहीं। मेरे पिता नहीं और तेरी माँ नहीं। गंगा अगर ऐसा हो जाए क्या मेरी मम्मी तेरे पिता से शादी कर ले तो? चुप पगली पिताजी कई शादियां कर सकते हैं लेकिन माँ एक की बार शादी कर सकती है। हाँ हाँ भूल गई। अच्छा क्या तूने मुझे पगली कहा। माफ करना जमना मैंने तुझे पगली कहा। नहीं मैं हूँ भी थोड़ी सी कुछ भी बोल जाती हूँ। नानी का स्वभाव आ गया मुझ में। बड़ों के गुण छोटों में आ ही जाते हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं अपनी माँ की तरह घमंडी हूँ और मेरी नानी कहती है कि मैं अपने पिता की तरह जिद्दी हूँ। फिर से कह मेरे पिताजी भी ऐसे ही कहते हैं। अच्छा ये किसका फोटो है? ये मेरे माँ बाप का फोटो है मुझे दे। नहीं मेरे पिताजी का फोटो है। नहीं मेरी मम्मी का फोटो है। नहीं मेरे पिताजी का फोटो है। तो क्या हम दोनों के माँ बाप एक ही हैं? तेरी माँ का नाम किरण। किरण? हाँ। तेरे पिता का नाम शेखर। शेखर इसका मतलब हम दोनों बहने हैं। जमुना दीदी जमुना दीदी। बहन मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। दीदी मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है तू मेरे साथ चल। नहीं पिताजी मम्मी से झगड़ा करके चले गए थे और मैं मम्मी के पास रही हूँ। अगर उन्होंने कह दिया कि अपनी मम्मी के पास तो? हाँ ये भी ठीक है। तू मेरे साथ चल। अगर मम्मी ने कह दिया जा अपने पिता के पास तो? मम्मी तो नहीं कहेंगी लेकिन नानी जरूर कहेंगी। बड़ा डेंजर। फिर क्या करें? हाँ क्या करें? एक आइडिया। क्या? तू मम्मी के पास चली जा मैं पिताजी के पास चली जाती हूँ। बात तो ठीक है क्योंकि हम दोनों की सूरत एक सी है। ये तो आइडिया है। मैं गंगा तू जमुना हमें कोई नहीं पहचान सकता। तेरे घर में कौन कौन है और उनकी पहचान क्या है? मम्मी को तो पहचान लेगी ना? हाँ मेरी नानी आंखों पर चश्मा चढ़ाती है और यूं चलती है और नाना जी मारा जपते रहते। तेरे घर में तो बस अकेले पिताजी है ना? नहीं पिताजी के दोस्त महेश अंकल भी हैं। बहुत बातें बनाते हैं और खूब बजाते हैं। एक डांस टीचर मेनका है और उसकी मम्मी है छोटी सी मोटी सी नाम मधुमती है। पिताजी ने डांस टीचर को क्यों घर में रखा है? मेरी नानी होती इसे घर से निकाल देती। ये सब मैं नहीं जानती।
तू जाएगी ना पूछ लेना। अच्छा ले, मेरे फ्रॉक तू पे है और तेरे कपड़े मैं पहनती हूँ। ओके। बोल जमुना, तेरे फ्रॉक में मैं कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी। लेकिन बुद्धू, बाल तो बदले ही नहीं। अरे हाँ भूल गई, अभी बनाती हूँ। अब बोल, ठीक हो गए ना? वाह, अब हमें कोई नहीं पहचान सकता। हर शुक्रवार को फोन पर बात किया करेंगे। अच्छा ला एक प्यार दे। बस दीदी। हाँ चल। जमुना देख, उस गाड़ी में आ रहे हैं ना, वो पिताजी है। मेरी बातें मत भूलना, तू भी मत भूलना। अच्छा क्यों गंगा बेटी, कैसी रही पिकनिक? जी। अरे तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। हा? क्या बात है, ये क्या नई आदत है, हमारी नकल उतार रही हो? नहीं पिताजी, मैं तुम्हारी नकल नहीं उतार रही। अच्छा आपसे तुम कहना भी सीख गई, सब भूल गई। अच्छा बख्शीश। वो बिना बताए चली गई। वो कौन, क्या कह रही हो तुम? पिताजी वो। अच्छा वो भी भूल गई, बख्शीश। ओ समझी समझी। हाँ अरे गंगा, ये बुंदे किसने दिए? नानी ने दिए। नानी? हाँ पिताजी, पिकनिक में एक लड़की नानी की तरफ बड़बड़ करती थी, हम उसे नानी कहते थे, उसने दिए। अच्छा चलो घर चलो। माँ नहीं आई। जमुना बिटिया किसे देख रही हो? वो रही अपनी गाड़ी। देख रही हूँ, माँ आई है क्या? मम्मी मंदिर गई है, मुझे तुम्हें लेने भेजा है, चलो। और सुनाओ बेटा, पिकनिक में कितना हल्ला मचाया, कितना गुल्ला मचाया, कितना झगड़ा किया, कितना रगड़ा किया। एक बार मैं भी गया था पिकनिक, जानती हो मैंने क्या किया? क्या? मेरा मास्टर के साथ में झगड़ा था। रात को जो ही मास्टर सोया तो मैंने मास्टर के तकिए के अंदर गुड़ रख दिया। फिर क्या था, दुनिया भर की चींटियां मास्टर के तकिए के अंदर, रात भर चींटियां मास्टर को काटती रही और मास्टर सोता रहा। लेकिन सुबह जो ही मास्टर उठा और उसने अपना थोबड़ा आईने में देखा तो उसका मुंह फूका हुआ था। महेश अंकल, उसने कहा था तुम बहुत बातें बनाते हो और खूब हंसाते हो। हैं? उसने कहा था? किसने कहा था? किसी ने नहीं, कुछ नहीं। हाँ अंकल, चींटियां काटती रही तो वो सोते कैसे रहे? और बेवकूफ चींटियां भी कैसी, गुड़ना खाकर रात भर उन्हें काटती रही। फंस गया बेटा, चींटियां तो गुड़ी खा रही थी लेकिन जायका बदलने के लिए थोड़ा थोड़ा मास्टर जी को भी चख रही थी चटनी की तरह। लेकिन ए, तू बदल गई। अरे तू डर गई क्या? डर तेरी का, मैंने तो यूं ही कहा था। पहले तू मेरी हर बात पे यकीन करती थी और अब शक करती। मुंह तू कहे कि चोर, निकाल मेरी चीज। मारी चीज? हाँ लाई। क्या? अरे वही 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 क्या? हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में ब्लैंकेट ओढ़े खड़ी थी। ओ भुट्टा, अब भुट्टा बहुत ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। शाबाश, ये दूसरा बंडल मारा ना। हाँ, नहीं। हाँ भी बोलती, नहीं भी बोलती, बोलना भूल गई थी। तुम दोनों बाप बेटी ने मुझे भुला दिया। जानती है पहले तेरे पिताजी खाना खाने के लिए ऊपर से नीचे आते थे और अब उस मियां मिठू के लिए खाना नीचे से ऊपर जाता है और हमसे दूसरे खाते भी छीन लिए, सिर्फ रसोई खाता रह गया।
मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा महेश तू जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा, और माताजी ने कहा था कि बेटा तू तो चार को खाना खिला के ही खाना खाएगा। मैंने दोनों की बात रखी, नहीं तरक्की की और चार को खाना खिला के खाना खाता, और तुम तो जानती हो। अच्छा अच्छा बस रहने दो, जाओ गाड़ी में से मेरा बैग लेकर आओ। वाह वाह वाह, बाप ने मारी मेंढकुली और बेटी तीरंदाज, बाप ने मुझे हजाम से रसोईया बनाया और बेटी ने रसोई से कूली बना दिया। बेटा महेश मस्तरा तेज कर ले, हजामत ही बेटर थी। जमला बिटिया तू आ गई पिकनिक से, तुमने तो आज नानी को भी मात कर दिया है। नाना ने कंधे पर अंगूठा क्या रख लिया कि उसको रसोईया बना दिया। अरे बेटा कुछ और बनाती तो अच्छा था, रसोईया बचा रहा तो महान कलाकार होता है, मेहनत करके खाता है, और नाना तुम्हारा तो सारा दिन घर में बैठा बैठा मच्छरी मारता रहता है। माँ घर में है? माँ तेरी नहीं घर में नहीं है, वो नानी तेरी ऊपर है। जा, जा। अच्छा। क्या समझ रखा है मुझे, भगवान भी मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि घोड़ा कौन है और गधा कौन है? नहीं नहीं भूल हो गई, सच कहती हूँ। तू क्या कहेगी, तेरी आंखें नहीं देख रही क्या? गुंडे कहाँ है, खोल दिए ना। 50 रुपए के थे? 50 रुपए के लिए 500 गालियां सुना दी। मेरे पिताजी होते तो कुछ नहीं कहते। पिताजी पिताजी, कान पे हीरे मोतियों से ढक दिया है तेरे पिताजी ने। नानी पिताजी के बारे में कुछ मत कहो, तुम्हें राक्षसी की तरह चिल्ला चिल्ला के भगा दिए बेचारों को। जमना बदतमीज, क्यों डांट रही हो इस बेचारे को? मुझे भी तो इसने रसोईया बनाया है, अगर तुझे राक्षसी बना दिया तो क्या हुआ? और तूने खुद ही तो कहा था कि पिकनिक पर जाने से बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, कुछ सीखने को मिलता है। मेरी बेटी सीख आई है, बिल्कुल बदल गई है। वाह बेटी वाह, क्या खूब डिग्री दी है तूने हम दोनों को। बस रहने दीजिए, जाओ जमुना अंदर। जमुना बेटी जमुना आ गई तू? जमुना जमुना जमुना, मैं तुझे नहीं लेने आ सकी क्योंकि मैं मंदिर चली गई थी। बेटे रो क्यों रही है जमुना? माँ कितनी अच्छी हो तुम, कितनी सुंदर हो तुम, सीता जैसी हो। इतनी अच्छी माँ को छोड़कर पिताजी कैसे चले गए? अगली कहेगी आज ही तू कैसी बातें कर रही है बेटे, और ऐसे देख रही है जैसे मुझे पहली बार देखा हो। ढंग ही बदल गया है इसका, नानी राक्षसी दिख रही है, नाना को रसोईया बना दिया, तुझे मम्मी की जगह माँ कह रही है। तुम देखो दिए जैसे पैसे की कोई कीमत ही नहीं। क्या पैसे की रट लगा रखी है कमला तूने, पैसा बहुत बुरी चीज है, पति से पत्नी को, भाई से भाई को, और माँ से बेटे को जुदा कर देता है। बंद करो अपना उपदेश, जाओ भजन करो। अकेला क्या भजन करता हूँ। किरण जमुना को अंदर ले जाओ। माँ मुझे एक बार गोदी में ले लो। अरे गंगा इतने दिन तक जो सीखा सब भूल गई? नहीं टीचर भूली नहीं, अब ठीक से नाचूंगी। अच्छा नाच। टीचर बाजी है टीचर, पैर दुख रहा है, पिकनिक में खेलते खेलते गिर गई थी, पैर में मोच आ गई। अरे
मोचा भी? फिर तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाना है या मोची को दिखाना है, तुम्हें उससे क्या करना है? हम दिखा लेंगे, तुम दोनों अपना इलाज करो। माँ बेटी दोनों चिपक के बैठ गए। चुप रहे। गंगा बेटी जरा इधर आना, एक पापी दो बेटा। छी, तंबाकू की बदबू। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, मैं तुम्हारी नानी हूँ। छी, तुम और मेरी नानी मधुमक्खी हो तुम। नहीं नहीं मधुमक्खी नहीं, मधुमती। नहीं मधुमक्खी, महेश अंकल कहते हैं तुम्हारा नाम है मधुमक्खी। अच्छा ये सब तेरी बदमाशी है? क्यों रे, मेरा नाम मधुमक्खी है? मेरी गलती होगी, तुम्हारा नाम मधुमक्खी नहीं बल्कि मक्खी है जो बीमारी फैलाती है, गटर में रहती है। ए महेश तू यहाँ क्यों चूल्हा फूंकता है? तो फिर क्या फूंकूं? मेरे साथ चल, मैं तुझे गोद ले लूंगी, पालूंगी, पालने में झुलाऊंगी। मक्का लगाती है, ये जादू मेरे पर नहीं चलेगा। महेश महेश क्या बोलती? महेश बेटा बोल, ऐसा लगता तू मुझे नहीं छोड़ेगी। जमुना जमुना जमुना, जाने कहाँ चली जाती है ये लड़की? जमुना, अरे वो जमुना। किरण की माँ कमला पति। किरण की माँ, मैं अभी इस घर में नहीं रह सकता, मैं इस घर में नहीं रह सकता, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है मुझे इस नर्क में। सन्यासी बनकर जा रहा हूँ, सन्यासी बनकर जा रहा हूँ, सन्यास ले लिया उन्होंने, लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे गोपाल, अरे किरण, अरे राधा, अरे कोई है तो कहाँ मर गए? मैं बर्बाद हो गई, मैं तो हो गई। किरण, बेटी किरण, क्या हुआ माँ? मुझे डुबो दिया, सन्यास ले लिया है उन्होंने, बेटी मैं क्या करूं? क्या हुआ नानी? और क्या होना है, अपनी पगड़ी मेरे सर बांध गए। किसने नानी? नानी की जान जा रही है, ये ऊपर से सवाल कर रही है। किरण दफ्तर में फोन कर दे, सरोजा से कह के पुलिस को फोन करे, अपनी बसों को कारों को ठेलों को चारों तरफ दौड़ा दो। आखिर हुआ क्या है माँ? बेटी तेरे पिताजी मुझे छोड़ गए हैं, तुझे अनाथ कर गए मेरी बच्ची, उन्होंने सन्यास ले लिया है। माँ पिताजी तो वो आ रहे हैं। हाँ, हाँ। ये क्या सोचा आपने? घर का काम दफ्तर का काम सभी तो मैं संभाल रही हूँ, फिर आपको सन्यास लेने की जरूरत क्या है? सन्यास? अरे भली मानस मेरा भेजा, फिर क्या क्या जो मैं सन्यास लूंगा? तो फिर क्या मुझे रुलाने के लिए खत लिखा था? खत? जब से तूने कारोबार संभाला है मुझे अपना नाम तक लिखने का मौका नहीं मिला, तू खत को रो रही है? दिखा दो मुझे खत का। हाँ, बता बता। राम 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 राम, मुझे पहचान लिया मगर मेरे हैंड राइटिंग को नहीं पहचाना। देखो ये मेरी लिखावट है, देखो पढ़ो पढ़ो। अरे हाँ, ये तो आपकी लिखावट नहीं, तो फिर ये किसने लिखा है खत? जमुना ये क्या किया तुमने? तुम चुप रहो माँ, नानी को सिर्फ अपना ही दुख दिखाई देता है। अच्छा तो ये तेरी कार्रवाई है? मगर इसके कहने में सच्चाई है। शाबाश बेटी। बस रहने दीजिए, आप ही इसका हौसला बढ़ाते हैं, छोटी सी लड़की मुझे अकल सिखाती है। अकल हो तो कोई सिखाए ना, अकल तो तुम्हारी वृंदावन गई हुई है। माँ मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? जमुना लो दूध पी लो। मैं तुम्हारे पास सो जाऊं? और दिन तो तुम नहीं आई मेरे पास सोने, आज क्यों? बेटी के पास माँ नहीं सो सकती है क्या? मेरी माँ तुम जाओ यहाँ से, और फिर कभी मेरे कमरे में मत आना। मैंने कहा रो क्यों रही है? क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? बच्ची ने कुछ कहा है? तुम्हारे कहने के मुताबिक
मैं उस पर माँ की ममता उड़ेलती हूँ, लेकिन वो मुझे माँ मानने को तैयार नहीं। मैं इनका बुरा नहीं माना करती, आखिर वो बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता हिल मिल जाएगी तुमसे, फिर हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मान लो गंगा मान गई तो क्या आपकी पहली पत्नी मान जाएगी? कानून इसको मानेगा? वो सब मैं देख लूंगा, 7-8 साल हो गए हम अलग रहते हुए। जाओ जाके सो जाओ। आप मैं जिंदा रह सकूंगी। हेलो, कौन है? कौन? नाना जी। नाना जी कौन हो तुम? मैं आपकी धोती, जल्दी से गंगा को बुलाओ। ओ बेटी, राम नंबर है, गंगा के लिए हरिद्वार टेलीफोन करो। अरे भूलोगी, गंगा को नहीं जमुना को बुलाओ। जमुना को? मगर जमुना सो रही है, स्लीपिंग। सो रही है तो उसे जगा दो, जरूरी काम है। अरे धमकाती है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? पर कहीं बड़ी छानबीन करते हैं नाना जी। हेलो हेलो हेलो, बोलती क्यों नहीं? बताओ बाबा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसकी पिकनिक की दोस्त हूँ, वो समझ जाएगी। पिकनिक पर तो उसके साथ बहुत सी लड़कियाँ गई थी, उनमें से तुम कौन हो, पहले अपना नाम बताओ। ओहो, फिर वो रट लगाए जा रहे हैं, उसे कहो माँ की बेटी बुला रही है। माँ की बेटी? ये किस भाषा में नाम है? आपको इससे क्या, जाकर कहते हो उसे या नानी से कह दूँ? जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपनी घरवाली से डरता हूँ? मुझे ही नहीं, सारे शहर को मालूम है। जाओ। शहर को मालूम? और सुना तुमने, बिना प्रचार का ही अपना नाम मशहूर हो गया सारे शहर में। आपकी शुभ आशीर्वाद से मैं खुश हूँ। अरे जमुना बेटी, तू जाग रही है, मैंने तो उसे कह दिया कि तू सो गई है। जा, तेरा टेलीफोन। टेलीफोन? आज तो शुक्रवार नहीं। शुक्रवार हो या शनिवार, लेकिन टेलीफोन करने वाली दुर्गा का अवतार है, वो डांट दी है मुझे कि पूछो नहीं, जिंदगी भर याद रखूंगा। बिल्कुल तेरी नानी का अवतार है। नाम क्या बताया? मिस माँ की बेटी। जमुना, ये माँ की बेटी कौन है? पूछ कर आती हूँ, ये माँ की बेटी कौन है? आ, जा, 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 पूछ गया, जल्दी जा। What is a cow? हेलो, कौन? जमुना? मैं हूँ। जमुना, माँ कितनी सुंदर है, तू सुंदरता को रो रही है या घर जल रहा है? किसका घर? घर से मतलब घर नहीं, वो डांस टीचर पिताजी से शादी करने का चक्कर चला रही है। क्या? वो तो ऐसी नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी थी। अरे बुद्धू, तो सबको अच्छा समझती है, अगर उसने पिताजी से शादी कर ली तो वो मम्मी को घर में नहीं आने देगी। फिर क्या करें, मैं वहाँ आ जाऊँ? अरे तेरे यहाँ आने से सब गुड़ गोबर हो जाएगा, तू वहीं रह के माँ की देखभाल कर, मैं यहाँ की सब देखभाल कर लूंगी, समझी गंगा? महेश अंकल, तुम? बोल, कौन है तू? मैं गंगा हूँ। नहीं, तू गंगा नहीं है। हाँ, मैं गंगा ही हूँ। शट अप! बच्ची को क्या कर रहा है? ए मेरी बेटी, ए मेरी रानी। अरे तू परेशान कर रहा उसे? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देता? अरे हट! क्या? नहीं, क्यों मेरी जान खा रही हो? अरे भाई, मैं फोन कर रहा था, बिटिया को नींद नहीं आई तो वो मेरे पास चली आई। तुम जाके अपना ये ढाई मन का बोझा पलंग पे दे मारो ना। दे मारूंगी, धोबी पछार दे मारूंगी, तू समझता तू मुझसे बच जाएगा? नहीं। चल अंदर। नहीं, चल अंदर। सच बोल, तू कौन है? मैं गंगा हूँ। नहीं, तू गंगा नहीं है, अगर तू गंगा होती तो गंगा को फोन पे क्यों बुलाती? मुझे तो पहले ही तुझ पे शक हो गया था, लेकिन तूने गंगा कहके मुझे गूंगा कर दिया। बोल कौन है तू? मैं
मैं जमुना गंगा की बहन। जमुना, लेकिन तू तो अपनी माँ के पास रहती थी ना बेटा। हाँ, हम दोनों बहनें पिकनिक पर मिली, वो माँ के पास चले गए, मैं यहाँ पिताजी के पास आ गई। अंकल, क्या तुम पिताजी से खेत होगे? अरे नहीं रे, ये तो युद्ध का भेद है। तेरे पिताजी नट्टे दुश्मनों की फौज में घिर गए, उनके दिल और भेजे पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। ए, तुझे पसीना क्यों आ रहा है? तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा ना, मैं डर गई। डरपोक कहीं की, डरा तो एक दिन मैं था। इन द ईयर ऑफ 1955 एंड हाफ मैं गोकली बाई पूनमचंद पीतंबर हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारे इम्तिहान चल रहे थे, जानते हो क्या हुआ? बेटा पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद छींक ले तो अपशुकन हो जाएगा। फिर क्या हुआ? इम्तिहान में मेरे सामने जो लड़का बैठा हुआ था, मैं उसकी नकल मार रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर एक हाथ आकर पड़ा। डंडड़ा। ये डंडड़ा क्या अंकल? ये बैकग्राउंड म्यूजिक है बेटा। आपके स्कूल में बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजता था? हाँ बेटा, उसके बाद जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? हाथ के बाद मैं कांपने लगा, मेरे बदन से पसीने का फव्वारा फूट पड़ा, और जो ही मैंने पलट कर पीछे देखा तो मेरे पीछे काला देव खड़ा था। काला देव? हमारा हेडमास्टर। उसने मुझसे कहा, क्यों बे, नकल मार रहा था? मैंने कहा, यस सर। मार ली? मैंने कहा, मार ली सर। फिर तो तुम्हें बहुत मारा होगा। यही तो रोना है बेटा कि उसने मुझे मारा नहीं, अगर मारता होता तो अच्छा था। बजाय मारने के उसने मुझसे कहा, ला वो कॉपी मुझे दे दे। मैंने कहा, क्यों सर? तो कहने लगा, क्योंकि क्योंकि मेरा बेटा भी इम्तिहान दे रहा है, लेकिन उस उल्लू के पट्टे को न ही लिखना आता है, न ही तेरी तरह नकल मारना आता है। उसने वो कॉपी लेकर अपने बेटे को दे दी। नतीजा ये हुआ कि वो हेडमास्टर की औलाद फर्स्ट क्लास से पास हो गया, और उसे पुलिस में नौकरी भी मिल गई, और आज वो चोरों को पकड़ रहा है। और एक मैं जिसने के पहली नकल मारी थी, यानी कि ओरिजिनल कॉपी राइटर, अपनी बदकिस्मती से चोरों को खाना पका पका कर खिला रहा हूँ, तेरे बाप के दुश्मनों को रसद पहुंचा रहा हूँ। अंकल, अब तो पसीना सूख गया। ये तो बताओ, मम्मी और पिताजी को कैसे मिलाया जाए? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है बेटा। उन्हें मिलाना किसी इंसान के बस की बात तो नहीं। हाँ, भगवान बालाजी श्री वेंकटेश्वर ही उन्हें मिला सकते हैं। सच अंकल? हाँ बेटा, इन दुख हर्ता भगवान के लिए कुछ मुश्किल नहीं। मेरे दूर के रिश्ते के चाचा चाची थे। एक दिन चाचा और चाची में झगड़ा हो गया। चाचा ने चाची को घर से निकाल दिया। बेचारी चाची रोते हुए भगवान बालाजी के शरण में त्रिपदी पहुंची। वहां उनके चरण छूकर उन्होंने अपने पति की भीख मांगी। दूसरे दिन चाचा जी चाची के पास पहुंच गए और चाची से माफी मांगी और उनको अपने घर वापस ले आए। और अब दोनों चाचा चाची चाचा चा डांस करते हुए रहते हैं। बेटी जमुना, अरे बाप रे, गलती हो गई। बेटी गंगा, हाँ। अब बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, भगवान सब ठीक कर देंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। पपी दो। बात ये है नाना जी, माँ तो इधर है, अगर किसने पिताजी को जाल में फंसा कर शादी कर ली तो? बड़े किया करते हैं बच्चों की चिंता, तू अभी खुद बच्ची है, तू क्यों चिंता करती है? जा जा खेल, जा। क्यों हंस रही है बेटी? ओ देखो मैं, ओ मुर्गा हाय, ओ मुर्गी हाय, ओ चूजा हाय। पिताजी तुम मुर्गा हो, मम्मी तुम मुर्गी हो, और मैं चूजा हूँ। मुर्गा मुर्गी को प्यार करता है, मुर्गी मुर्गे को, और दोनों चूजे को। इससे शरारती कहीं की। मुर्गा मुर्गी प्यार से देखे, नन्हा चूजा खेल करे, मैं किसको बोलूं जो मेरे मात पिता का मेल करे।
पिता का मेल करे, मुर्गा मुर्गी प्यार से देखे। जमुना, क्या है? एक बात कहूं मानोगी? नानी, हाँ? ये किसकी तस्वीर है? शंकर पार्वती। ये सीताराम। और ये राधा कृष्ण। पार्वती के साथ शंकर है, सीता के साथ राम, राधा के साथ कृष्ण और नानी के साथ नाना जी। माँ के साथ पिताजी क्यों नहीं? वाह 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 जमुना, वाह बेटा, क्या कर रहे हो? जमुना, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं क्या करते? फिर कैसी बात क्या करते हैं? उम्र के मुताबिक फायदे की बात। फायदे की बात? नानी, बस क्या होने से चलती है? पेट्रोल से। बस पेट्रोल होने से चलने लगेगी? चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, कंडक्टर चाहिए। नानी, परिवार भी एक बस है, उसे चलाने के लिए पिता ड्राइवर है, माँ कंडक्टर है और बच्चे उसके पैसेंजर जो बगैर टिकट के आ जाते हैं। अब बड़ी समझदार हो गई है मेरी दोस्ती। अच्छा, तो ये सब तुमने सिखाया है इसे? मैं क्यों सिखाता, तुम्हारा ही प्रवचन है, उपदेश भी तुम्हारा और दोहती भी तुम्हारी। इसको जवाब दो नहीं तो हार मानो। चुप रहो। मैं कब बोल रहा हूँ? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने खिलौने लाई हूँ। ये सिंगिंग सर्कस, ये बंदरिया और ये बुढ़ा, ये चलने वाली गाय। मैं नौले देखकर बच्ची को बहकाना चाहते हैं। कैसे लगे ये सब खिलौने? बहुत अच्छे हैं। और ये नाचने वाली बंदरिया? ये नाचने वाली बंदरिया क्यों लाए पिताजी? अपने घर में है ना नाचने वाली डांस टीचर। ऐसी बात नहीं बोला करते बेटी, एक बात बताए तुम्हें? जो तुम बताना चाहते हो मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? उस बंदरिया ने, उस गाय ने, इन खिलौनों ने सब बता दिया। एक्सलेंट, एक्सलेंट। क्या एक्सलेंट? इस ड्रामे के डायलॉग बहुत अच्छे। बकवास बंद कर, पागल कहीं का, जा अंदर जा। यस योर ऑनर। गंगा, तुम्हें माँ चाहिए ना? हाँ पिताजी, माँ को ले आओ ना। मैंने एक नई माँ देखी है तुम्हारे लिए। नई माँ? हाँ। किस दुकान में देखी है? शाबाश, शंटाबाश। ए, इसे शाबाशी दे रहे तुम? इस ड्रामे के एक्टर क्या डायलॉग पर डायलॉग मार रहा है, ऐसा लगता है तमाचा मार। बंद कर, रसी में जाकर इस ड्रामे को पढ़। अच्छा पिताजी। हाँ बेटी। नहीं माँ, क्यों? मेरी माँ को ले आओ ना। उसके साथ कौन अभिमानी रह सकता है? और इस डांसर के साथ कौन अभिमानी रह सकता है? ये नाचती है और नचाती है। वंडरफुल, ये तो तमाचा नहीं बल्कि घूसा था। गंगा को तो विरोधी पार्टी का लीडर बनाना चाहिए। महेश, मैं सोचता था ये गंगा कैसे बदल गई, लेकिन इसे तुमने बदला, तुमने बिगाड़ा है। शेखर, नहीं मैंने गंगा को बदला है, नहीं उसे बिगाड़ा, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि तुम्हें गिरने से संभाल। महेश, मर्यादा में रहकर बात करो, मत भूलो कि तुम कौन हो और क्या हो। मैं खुद को नहीं भूला शेखर, बल्कि तुम अपने को भूल रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य को भूल रहे हो। मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं और इस मेनका को भी अच्छी तरह जानता हूं, जो एक सस्ती नाचने वाली चरा प्लेटफॉर्म है। वो मेरी होने वाली पत्नी है। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि भूतनी है। मत मारो पिताजी, अंकल को मत मारो, मत मारो, मत मारो। हाथ क्यों रोक दिया शेखर, मानना। अरे ये तो वो हाथ है जिसने भूख में मुझे खाना खिलाया
मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोछा, मुझे अनाथ को सगा भाई समझकर गले से लगाया, प्यार किया। मैं ये कभी नहीं भूल सकता शेखर कि मैंने तुम्हारा नमक खाया। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं मेरे दोस्त, मैं एहसान फरामोश नहीं। मेरा शरीर तुम्हारा है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मुझे मार डालो या कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को बर्बाद ना करो मेरे दोस्त, इनके धोखे में मत आओ। तुम्हारी वजह से पिताजी ने अंकल को मारा, निकलो तुम इस घर से। मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं, जाओ यहाँ से, नहीं जाओ यहाँ से, जाओ। गंगा, गंगा बेटी, बेटी बेहोश होगी। गंगा जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। महेश, फोन करना या क्या करना वो मैं खुद कर लूंगा। विल यू प्लीज गेट आउट। माँ की जगह बाप नहीं ले सकता, अब मैं क्या करूँ? हेलो, कौन? महेश अंकल। हाँ बेटा, गंगा जमुना की जान खतरे में। क्या कहा? जमुना की जान खतरे में है? हाँ, टीचर ने उसे बहुत मारा है। टीचर ने मारा है उसे? हाँ बेटा, तुम जल्दी आओ। अच्छा अच्छा, माँ जल्दी से जमुना के पास चलो। जमुना के पास? हाँ। जमुना कौन है बेटे? तुम्हारी बेटी। ओह, मेरे बेटे तो मेरे पास है। नहीं, तुम्हारी बेटी पिताजी के पास है और पिताजी की बेटी तुम्हारे पास है। मैं गंगा हूँ, वो जमुना है। हम दोनों बहनें पिकनिक पर मिली। जमुना पिताजी को देखना चाहती थी, वो वहाँ चली गई। मैं माँ से मिलना चाहती थी, मैं यहाँ आ गई। हम दोनों की सूरत एक ही है ना, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं चला। तू गंगा, गंगा, गंगा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। गंगा, तेरे पिताजी कहाँ हैं? इसी शहर में। इसी शहर में? मेरी गुड़िया, मेरा खोया हुआ मोती। अभी फिर ले लेना, जल्दी चलो। टीचर ने जमुना को सीढ़ियों से गिरा दिया है। किस टीचर ने? सब कुछ यही पूछोगी? चलो तो बता दूंगी। पिताजी। जाओ बेटा, जाओ, जाओ, जाओ। कहाँ जा रही है? कमला, वो अपने पति के घर जा रही है, उसे रोक नहीं। इतने बरसों के बाद ये पति कहाँ से अटपका? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले उसे जाने दे। कमला। नहीं, मेरे जीते जी इस जन्म में किरण शेखर से नहीं मिल सकती। चल अंदर चल। पिताजी की बच्ची तो? ए, कमला। अरे वाह, आज मेरे पैरों में ठोकर मारने की भी ताकत आ गई है कमला। दशरथ की कमजोरी के कारण राम को 14 बरस का वनवास भुगतना पड़ा था, लेकिन मैं अपनी बेटी का वनवास 7 बरस में खत्म करूंगा। जाओ बेटी, देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। जाओ। किरण, मैं कहती हूँ रुक जा। अरे मैं कहता हूँ यही रुक जा, वरना याद रख हड्डी पसली एक कर दूंगा। क्या कहा? वही जो तूने सुना। कौन सा भूत आ गया है आज आपके शरीर में? वही भूत जो आज तक तुम्हारे शरीर में था, मगर अब उसने जगह बदल ली है। इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरा ही हुक्म चलेगा इस घर में। सुन लिया? जाओ। नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ जाओ। नहीं जाऊंगी। अरे तेरा बाप भी जाएगा। जाओ। पिताजी, मैं मम्मी के पास जाऊंगी। मम्मी के पास? हाँ, यह मुझे डर लगता है, टीचर मारेगी मुझे। मम्मी ने कभी नहीं पीटा, हाथ तक नहीं लगाया। तुमने तो अपनी माँ की सूरत भी नहीं देखी, ये तुम क्या कह रही हो गंगा? मैं गंगा ने जमुना हूँ। हम दोनों बहने पिकनिक पर मिली, वो वहाँ चली गई, मैं यहाँ आ गई। मैं मम्मी के पास जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। जमुना, जमुना, जमुना बेटी, जमुना, जमुना बेटी, बेटी, मम्मी। तुम? कितने दिनों के बाद देख रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब तुमने ये नाटक खेला? नहीं नहीं, मैंने नहीं, इन बच्चों ने ये नाटक रचा है। नहीं, बच्चों ने नहीं, तुमने और तुम्हारी माँ ने खेला है ये नाटक, वरना जितने बरसों के बाद ये प्यार का सागर कहाँ से उमड़ पड़ा? मैं समझ गया, तुम मुझसे मेरी बच्ची छीनने आई। नहीं नहीं, ये गलत है, मैं तो आपके दूसरे बच्चे को भी साथ लाई हूँ और खुद को आपके चरण में अर्पण करने आई हूँ। खुद को अर्पण करने आई हो,
या मुझे पुलिस को अर्पण करने आई हो। आप क्या कह रहे हैं? अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। कहाँ जाओ? ये घर मेरा मंदिर है, आप मेरे भगवान है, मैं कहाँ जाऊँ? अरे वाह, पहले शैतान था भगवान बन गया। कितनी कोशिश की आपको तलाश करने की, लेकिन लेकिन कहीं पता ना चल सका। कितने बरस की तपस्या के बाद आज मैंने आपको पाया। बस बस, रहने दो इस पतिव्रता के ढंग को। आज ये दोनों बच्चे मेरे पास रहेंगे। भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चे से, चली जाओ यहाँ। भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चों से दूर न कीजिए, मुझे उन्हीं के पास रहने दीजिए। नहीं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं इस घर में, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। नहीं, मैं यही रहूंगी, मैं यही जीऊंगी, यही मरूंगी, यही मेरी जगह है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये जगह किसी दूसरे के लिए। दीदी, पिताजी ने मम्मी को घर से निकाल दिया, क्या करें? कैसे समझाएं पिताजी को, कैसे मिलाएं दोनों को? भगवान बालाजी श्री वेंकटेश्वर ही मिला सकते, इन दुखहर्ता भगवान के लिए कुछ मुश्किल नहीं। दीदी, महेश अंकल कहते थे कि भगवान बालाजी ही उन्हें मिला सकते हैं, तो चलो हम तिरुपति चले। हाँ, वहाँ जाकर भगवान बालाजी से कहेंगे। दीदी इधर आओ। जमुना होशियार, तुम फिक्र मत करो। मधुमती तुम? हाँ मैं, कहाँ भाग के जा रही हो? हम दोनों तिरुपति जा रहे हैं। तिरुपति? तिरुपति क्यों जा रही हो? भगवान बालाजी से थोड़ा काम है। अच्छा, तो फिर वहां पहुंचाने का काम मैं कर दूंगी। कितनी अच्छी हो तुम। मेरी भलाई तो तुम्हें बाद में मालूम होगी। चलो आओ, मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा दूं। आओ दीदी, जल्दी से आओ। अच्छा, जय 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 जय। बेटा, ये नंदू अंकल है, तुम्हें त्रिपति में भगवान के पास पहुंचा देंगे। ये बड़ी खतरनाक सूरत है। नहीं बिटिया, मैं सिर्फ देखने में ही ऐसा लगता हूँ। नंदू, जरा बच्चों को संभाल के पहुंचा देना। फिक्र ना करो, ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। आओ बेटी, चलो। मैं तुम जैसे बड़े आदमी का दोस्त कहलाने का हक तो नहीं रखता, लेकिन किरण भाभी के दुख में दुखी होने का हक जरूर रखता हूँ। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए शेखर, कि ये बिचारी अपने माँ बाप को, उनकी धन दौलत को ठुकरा कर रात भर तुम्हारे दरवाजे को अपने आंसुओं से क्यों भिगोती रही। ये तुमसे क्षमा मांग रही, दया की भीख मांग रही। भगवान के लिए इनकी खाली झोली में भीख डाल दो शेखर। मैं वो भीख किसी दूसरे की झोली में डाल चुका हूँ महेश, कल मेनका से मेरी शादी होगी। माँ, ये तुमने क्या किया? मेरा तो दिल धड़क रहा है। चलो भाग चले यहाँ से। अरे तू तो पागल है, हरे भरे खेत को गीदड़ों के लिए छोड़ जाए? वो बेवकूफ शेखर समझता है कि उसने शराब के नशे में तेरा शील भंग किया है, तभी तो डर के मारे कल तेरे से शादी कर रहा है। शादी हुई और फंसा, फिर क्या कर सकता है? शादी के बाद रहने दो माँ, अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुमने बच्चों को यहाँ से भेजा है। तू फिक्र क्यों करती है, मालूम तो तब होगा जब बच्चे वापिस आए। राक्षसी चुड़ैल, बता कहाँ है मेरे बच्चे? क्या क्या तूने उनका? बोल मैं गला लूंगा। बोल जल्दी बोल। बताती हूँ, जरा छोड़िए। माँ ने जल्दी बोल। माँ ने उन्हें नंदू के साथ तिरुपति भेज दिया है। अच्छा, क्यों भेजा बच्चों को तिरुपति? कौन है ये नंदू? नंदू मेरा रिश्तेदार है, बच्चे भगवान बालाजी के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें नंदू के साथ भेज दिया। अब समझो शेखर, वो मक्खी है और ये बिच्छू। महेश यार, मुझे माफ कर देना, मैं तिरुपति जा रहा हूँ, देखना ये छुड़ैल यहाँ से भागने ना पाए। तुम इनकी फिक्र ना करो, इन दोनों की चोटी मेरे हाथ में है, तुम दोनों जाओ, जाके बच्चों को बचाओ।
ये रही चोटी। आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका मुझे अवार्ड मिला, लेकिन अब करूंगा। बोल मेरी मधुमक्खी, तू कौन सा जूस पिएगी, बबूल के फूल का या गुलर के फूल का? ए, हिलमत, जगह पकड़ के रख। समझ ले के तेरे पंख टूट गए बिच्छू। ए हो बिच्छुआ, तेरे भी डंक तोड़ दिए जाएंगे रे, ताकि आइंदा तू किसी शरीफ आदमी को डंक ना मार सके। वाह 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 वाह, कल तक तो बेटी कमर हिला रही थी और आज माँ मटका मटका रही है। हे राम! अरे ये अपनी गंदी जबान से राम का नाम लेकर उनका भी नाम खराब करती है। तुम दोनों को यही खड़े रहना पड़ेगा जब तक कि पुलिस ना आ जाए। ए मधुमक्खी, अगर तू जरा भी फड़फड़ाई तो समझ ले कि तेरी मौत आई। बिछुआ, कल तक तो छम छम घुंघरू पाओ में, खन खन कंगन हाथों में, अगर इनकी जगह हथकड़ियां और बेड़ियां ना पहना दो तो मेरा भी नाम महेश नहीं। बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ। हे भगवान बालाजी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। लो, त्रिपति आ गया। उतरो, आओ। वो देखो, वो है त्रिपति का पहाड़। इतनी ऊंचाई पर है भगवान बालाजी? थोड़ी देर में तुम इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर जाने वाली हो। लो, कुछ खा लो। देखो, तुम दोनों यहां बैठकर खाती रहो, कहीं जाना नहीं, मैं अभी आता हूं। क्यों बे, इतनी देर? देख, तू यही रह, मैं अभी आती हूँ। कब से राह देख रहा था, लाया कि नहीं? ये देखो, अब कुछ बात बनी। शाबाश। जमुना, बात सुनो, यहाँ से वो हमें मारने को लाए हैं। कहाँ चलने दीदी? भगवान के पास, जल्दी आओ। ये ले। वाह उस्ताद, बस इतनी? अबे मरता क्यों है, काम होने दे, और दूंगा, चला मेरे साथ। अरे ये दोनों कहां चली गई? वो देखो, वो जा रहे हैं। जल्दी आ, जल्दी आ जमुना। जाने बच्चे कहाँ होंगे, उन पर क्या गुजरती होगी। बड़ी खतरनाक जगह है, संभल के आना। Thank you.
जाए, जल्दी छिप जाए। कमबख्त अब कहां गायब हो गई? यही कहीं होंगी। शेरा, यहां कहीं से साएं साएं की आवाज आ रही है। उधर मत जा, सांप होगा। संभाल के। कमबख्तों ने पैर धोखा लिए। वो जा रही है, पकड़ो। वो देखो, लाइए मुझे दे। दीदी, वो नजदीक आ गए, भागो। हेलो। अब देखता हूँ कहाँ जाओगी, पाताल तक नहीं छोड़ता। हे भगवान बालाजी, हमें बचा लो। हे भगवान बालाजी, हमें बचा लो। भगवान भगवान बालाजी को मदद के लिए बुला रही हो? बुलाओ बुलाओ। हे भगवान बालाजी, हमें बचा लो। भगवान अब देखता हूँ तुम्हारे भगवान बालाजी तुम्हें कैसे बचाते हैं। हे भगवान बालाजी, हमें बचा लो। भगवान तुम्हारे भगवान बालाजी इसके सामने कुछ नहीं कर सकते। बस जमुना, देखा भगवान बालाजी ने इसे खत्म कर दिया। क्यों ना करे। हम दोनों हैं। दोनों एक साथ रहोगे? हाँ हाँ, हम एक साथ रहेंगे। कसम खाओ। हम कसम खाते हैं। भगवान बालाजी की कसम खाओ। हाँ हाँ, भगवान बालाजी की कसम खाओ। हम कभी नहीं झगड़ेंगे। हम कभी नहीं झगड़ेंगे। बालाजी, आप सबको बुद्धि देते हैं, मेरी पत्नी को भी बुद्धि दो, सद्बुद्धि। मैं भगवान के सामने शपथ लेती हूँ कि मैं पत्नी की मर्यादा में, माँ की मर्यादा में, सास की मर्यादा में रहूंगी। हे भगवान बालाजी, जिस तरह तुमने हमें अपने माता पिता से मिला दिया, उसी तरह दुनिया के सब बच्चों को उनके माता पिता का प्यार देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।